This movie is encoded by Dr. Star. की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से हाथ आया था और हम उसे 10 दिन भी जेल में नहीं रख पाए। अगर ये बात मीडिया को पता चल जाएगी तो हमारी धजियां उड़ जानी है। सर, एक ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है? कैदी नंबर 150। ओ गुरु भाई, छह मान लीजिए ना सर, वो 10 बार यहाँ से भाग चुका है। उसे बेल की जरूरत नहीं है सर, कूद कर निकल जाता है, वही उसे वापस ला सकता है। ओए, अगर उस खोते से मदद मांगी तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगा। ओए लानत है मुझ पर, मेरा भी ईगो है। हाँ जोड़ता हूँ सर, थोड़ी देर के लिए अपने ईगो को भूल जाइए सर, प्लीज सर। कौन से सेल में है? कोई बात नहीं, इसका स्टाइल गुरु। सर, यह आपसे बड़ा ईगो वाला है, ऐसे बात नहीं सुनेगा ये। प्लीज जरा इज्जत से बुलाइए। गुरु भाई। कौन बोला रे मामू? ओ तू है क्या? है खाकी? ओ पाजी, ये मुंह क्यों लटका रखा है? कैदी नंबर 620 निकल लिया? तुझे कैसे पता? वैसे 620 ने मुझे भी ऑफर किया था, लेकिन अपन ने भी ठान लिया कि अपनी पूरी सजा इज्जत के साथ यहीं काटूंगा। बच गए, थैंक यू गुरु। तुम भागते तो हम और मुसीबत में फंस जाते। देखिए सुधर गया है। पूछे पूछे पूछे। हाँ ठीक है, तुझे उसे पकड़ना है। हलुआ है क्या? मना मत करो गुरु, इस जेल में कैदी और पुलिस वाले सब फैमिली की तरह रहते हैं ना। ए फैमिली मेंबर, इतना ही शौक है ना तो चल ड्रेस बदल लेते हैं। बात करता है, इमोशनली नहीं मान रहा है। ऐसा नहीं है गुरु, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। देख भाई, अपन की भी कुछ कंडीशंस हैं। और चल बोल। 36 इंच का टीवी, डबल डोर फ्रिज, फ्री का वाईफाई और हाथ में स्मार्टफोन। क्यों निकल गई हवा? वाईफाई मांगा है, कुछ हाईफाई नहीं मांगा है? मान जाइए ना सर। सर मान गए। ये सर भी मान गए, जेल का ब्लूप्रिंट। 620 की कोठरी इधर है। वो पकड़ा जाएगा ना? फिर इनसे कहो जरा थोपड़ा सुधारे। देखो, इस काम के लिए चाहिए ब्रांड न्यू शूज और बबल गम। जूता तो समझ में आया, पर ये बबल गम किस लिए? अरे यार, ये अपन का स्टाइल है। ए कम ऑन, फॉलो मी। अब तक तो बहुत दूर निकल गया होगा, अपन एक सेकंड भी नहीं गंवा सकते। तुम लोग इस पाइप पे एंड तक पहुंचो, अपन उसके पीछे जाता है। Shoot!
अरे वाह गुरु खूब भालो, ये कैसे किया? अबे कैरम बोर्ड की कोइन होती है ना, अपन को देख के पॉकेट में घुस जाती है, पकड़। अरे अब तुझे पता चला होगा कि पुलिस चाहे तो मुजरिम को गंदे नाले से भी निकाल सकती है, लोहा लोहे को काटता है। गुरु भाई जैसे अच्छे मुजरिम पुलिस की मदद भी कर सकते हैं। और किसे गया वो? भाग गया। ढूंढो उसे। नहीं मिलेगा। आप बहुत लकी है सर, अब जेल में वाईफाई लगाने की जरूरत नहीं। और चुप कर। पुलिस रिकॉर्ड में ये दर्ज कर दो कि गुरु भाई पुलिस के दो आदमियों को मारकर जेल से भाग गया है, और जब तक ना मिले ढूंढो उसे। अगर आपकी मकर राशि है तो मक्कारों से सावधान रहना होगा और पूरे महीने में मकर ये तो कट रहा है, बाकी देखता हूँ। और अब कुंभ राशि। अरे मेरी राशि? गुरु ग्रह के प्रभाव से आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, आसपास के लोगों से कष्ट मिलेगा और सोना भी प्लास्टिक बन जाएगा। ठुल्लू है तू ज्योतिषी बाबा, ये चेन और रिंग सब प्लास्टिक है क्या? इतना सोना कभी तूने देखा है? अरे ये सब हिल क्यों रहा है? अबे चोर नहीं, तेरा ये गुरु भाई आयला है। तू कब आये छोटू? फालतू की बात मत कर, पहले अपन की खातिरदारी कर कुछ। बहुत बड़ा चोर है अपन। चोर चोरी होता है चाहे चिंदी चुराए या तेरी तरह एलईडी टीवी। अरे कितने दिन हो गए गुरु से गले मिले हुए। अबे अपन को भी इतना माल देखे कितना टाइम हो गया, तुझे पता था मैं आने वाला हूँ? जो मेरे लिए सब ले आया। अभी अभी टीवी पर ज्योतिषी कह रहा था गुरु आएगा और सब कुछ ले जाएगा, पलक झपकते ही तो आ गया। इस बार कैसे आया, बेल से या दीवार से? दीवार से। अच्छा हा? और जेल की ड्रेस? अबे वो ट्रेन में छोड़ आया। अरे बाबा रे, पुलिस के कुत्ते सूंघते हुए यहाँ तक आ सकते हैं? तेरी हवा क्यों निकल गई? वो मुझे इस जन्म में नहीं पकड़ सकते। क्यों? अपन गेटअप चेंज करेगा। कैसे? कैसा लग रहा हूँ बोल? पहले जैसे। Hey, कुछ फर्क पड़ा? ये फिल्म नहीं है जहाँ चश्मा पहनते ही कैरेक्टर अमीर हो जाता है और उतारते ही भिखारी। तो अभी क्या करेगा बाप? तुम्हें इंडिया छोड़ना होगा गुरु। अच्छा तो अपन बैंकॉक जाएंगे। भाई साहब जाने के लिए इतने पैसे काफी नहीं है। अगर मिल जाए तो? पर उधार देगा कौन? उधार नहीं नगद। अरे बाप रे, एक इंच यहाँ वहाँ और मेरा खेल खत्म होता। लक्ष्मी को तू कहीं से भी खोद कर निकाल लेता है ना। धन लक्ष्मी का तो मुझे धर्म पति जैसा समझ, पर बेटा मुझे तो शुभ लक्ष्मी चाहिए, वो पता नहीं कब मिलेगी। ये शुभ लक्ष्मी कौन है? मेरे दिल की धड़कन, मेरे बचपन का प्यार। फ्लैशबैक। फिर बोलो बोलो बोलो। अरे जाने दे यार, तू ये सोच कि अपन लोग बैंकॉक कैसे जाएंगे? फ्लाइट लेके? नहीं नहीं, अपन लोग साइकिल से चलते हैं ना, चिंदी चोर कहीं का। अबे वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा, कैसे बनेगा? शकुर बस्ती से। तो चला। ये लो जी जाओ। अरे गुरु भाई, गुरु भाई। कैसा है बादशाह? अस्सलाम वालेकुम गुरु भाई। कैसा है भाई? टिप टॉप हूँ गुरु भाई। बहुत अच्छा भाई, गुरु का पासपोर्ट बनाना है? घंटे भर में बना डालता हूँ ना। ये रहे डिटेल्स और फोटोज। बेफिक्र रहो जी, हो जाएगा, मैं हूँ ना। ओके भाई। गुरु हाँ, मैं इस माल का पैसा लेके आता हूँ। चल। तुम क्यों आ रहे हो? हा? दो रोज के लिए आए हो, ऊपर जाके बजाओ और नाचो। गुरु ऊपर तुम्हारी वाली रतालू भी है। रतालू? रतालू बना दूंगा तेरा कचालू। रतालू
गुरु? यस, अपन आ गया। The boss is back, get ready. For deadly dance, get ready. कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देखूं दिल मेरा धड़के आ, तुझको छुपा लूं। कुचिकू कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देखूं एक पल में ही मन कर मेरा पटा लूं। डांस करे हम दोनों, अरे अरे कुचिकू। मैं रोमांस करता रहूं, तू है फूलों की पिस्तौल। कुचिकू कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देखूं दिल मेरा धड़के आ, तुझको छुपा लूं। कुचिकू कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देखूं एक पल में ही मन कर मेरा पटा लूं। जानू तेरी बातों को मैं मानू, बड़ी आला भर के होटल जाके चढ़ा लूं। तू है पूरा मैग्नेट, ये हाथ है मेटल, तू टच करे तो राग बनता रा रा रू। कुचिकू कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देख के छनछन बाजे हाँ मेरी पायल। कुचिकू कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देख के दिल मेरा धड़के हाँ हुई घायल। दिखा तो ग्रेस। हे माय डियर बॉस, तू मस्त क्लास क्लास, तेरे स्टाइल मस्त सिंग मैन, मैं तो तेरे साथ सेल्फी लूं। मिस यूनिवर्स चमकीले फीचर्स, देख के तुझे सच बोलूं मन मेरा दौड़े क्यों। डांस करें हम दोनों, अरे अरे कुचिकू। ओ मैं रोमांस करता रहूं, तू है फूलों की पिस्तौल। ए कुचिकू कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देखूं दिल मेरा धड़के आ, तुझे छुपा लूं। कुचिकू कुचिकू ओ मेरी कुचिकू, तुझे देखूं एक पल में ही मन कर मेरा पटा लूं। कुचिकू पर्पस ऑफ विजिट। अबे बिना काम काज वाला आदमी बैंकॉक क्यों जाएगा? ऑयल मसाज और क्या, सैंडविच मसाज। एक्सक्यूज मी, कौन है? शुभ लक्ष्मी, तुम हो? कितने दिन बाद मिली, कैसी हो तुम? पति कहाँ है? बच्चे कहाँ है? मेरे बच्चे? हाँ? मेरी शादी नहीं हुई। ऐसे कैसे, तुम्हारी शादी तो हो गई थी ना? आप किसी और लड़की से कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे जरा पेन देंगे? थैंक यू। शुभ लक्ष्मी? मेरा नाम शुभ लक्ष्मी नहीं, सिर्फ लक्ष्मी है। जो भी हो, लक्ष्मी तो है ना।
क्या हुआ गुरु, कोई जान पहचान वाली थी क्या? अबे बताया था ना, शुभ लक्ष्मी थी। कौन? तुम्हारे दिल की धड़कन, बचपन का प्यार? हाँ। ओहो। वो जब स्कूल में सातवीं क्लास में थी तब मैं उसको, तुम पढ़ते भी थे, प्यार करता था। पर उसका वो खड़ूस बाप कुलभूषण एकदम कुत्ता था, उसने हम दोनों को अलग कर दिया और इसकी शादी किसी और से करवा दी। तब से मैं एकदम आवारा की तरह घूम रहा हूँ। चाइल्ड मैरिज थी, जवान हो गई थी बे। अच्छा, गजब। ओहो, पर ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें जानती नहीं? बचपन का प्यार था ना अपना, जवानी में भूल गई। चल अपन याद दिलाते हैं उसको। लक्ष्मी, हाय हाय। क्या है? पेन चाहिए? दे रही हूँ, एक मिनट। तुम्हारा बाप कुलभूषण जिंदा है या निकल लिया? ए, मेरे पापा का नाम कुलभूषण नहीं, नर्मदा प्रसाद है। नर्मदा? तुम्हारी माँ ने नर और मादा दोनों से शादी कर ली? आनंदी चाची ने एक तीर से दो निशाने लगाए। ना ना, मेरी माँ का नाम आनंदी नहीं है, अनसुईया है। क्यों हो गुरु, पहचाना उसने? नहीं यार, लगता है उनकी किस्मत ही फूटी है। पर कुछ भी कहो, लड़की कमाल की है। अबे जो भी हो, एक बात कहूँ, मेरे सपनों की शुभ लक्ष्मी इसके रूप में मिल गए। देखता क्या है, फोन नंबर निकाल इसका। सुबह, यू जस्ट वेट, आई एम कमिंग। चेंज नहीं है मेरे पास। मैं हूँ ना। वो मेरा पर्स है, हाथ साफ कर दिया। कितना चाहिए खाली बताइए? 300 है। श्योर? चलो बच्चों, चलो 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 चलो। एक्सक्यूज मी, पैसे चाहिए? अभी देती हूँ। आप बैंकॉक जा रही है ना? नो, मेरी बहन बैंकॉक जा रही है। सुनिए तो, आप क्या चाहिए? आपका फोन नंबर चाहिए। लिखो। ओ थैंक यू, बोलिए। 8978732325 3235। और मेरा, अब देखता हूँ कैसे दूर जाती हूँ। बोर्डिंग पास निकाल भाई। ये लो बोर्डिंग पास और ये लो पासपोर्ट। अब इंडिया में वापस कभी मत आना। हैप्पी जर्नी। ये लो बैग। फ्लाइट टिकट और बोर्डिंग पास क्यों फाड़ दिया? अबे जब सुबह मिल गई तो फ्लाइट टिकट क्या, जीता हुआ लॉटरी टिकट भी फाड़ सकता। वो तो मैं पसंद करती है क्या? पसंद करती तभी तो फोन नंबर दिया। चल बेटा, किसी भी कीमत पे वो बचना नहीं चाहिए, और अगर बच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अबे मुन्ना। हाँ? यार शुभ लक्ष्मी को फोन करने में नानी क्यों याद आ रही? नानी की आत्मा को हिचकियां क्यों दिलवा रहे हो? आराम से। ठीक है, ठीक है। अरे सुनना, जब वो हेलो बोलेगी तो मैं क्या बोलेगा? हाय डार्लिंग। किसी मुझसे नहीं होगा। सच में? कहते में शर्म आ रही है। अरे पप्पू, तो फिर क्या कहोगे? कुछ और कह दूंगा। तो कहो। हेलो, आई लव यू। एक मिनट, सॉरी, आई लव यू सुशु लक्ष्मी। मैं सुशु लक्ष्मी नहीं हूँ, राज लक्ष्मी हूँ। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलती हो, तुम शुभ लक्ष्मी हो। कहा ना भैया, ये नंबर नगर पालिका के कुत्ते पकड़ने वालों का है। कुत्ते पकड़ने वाले का? हाँ, जब किसी एरिया में कुत्ता ज्यादा भौंके तो हम उसे पकड़ लेते हैं। अगर तुमने फिर से फोन करके परेशान किया तो पुलिस से धुलाई करवाऊंगी। कुत्तों की धुलाई कर, मेरी धुलाई करने की जरूरत नहीं है। पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? फोन रख। है, वैसे पीछे बहुत से पड़े। कोई नतीजा नहीं निकला, सुसु लक्ष्मी धोखा दे गई। वो देख बैंकॉक की फ्लाइट, जाके फिर से टिकट बुक करवा। अरे फिर से टिकट? फिर से। टिकट खरीदने के लिए 30 औरतों के गले में हाथ डालना होगा। किस लिए? चेन के लिए। तुम्हारे पास है क्या? अरे बता जी, सॉरी। अबे ओ, तेरे पास अकल विकल है कि नहीं? किसी से कैसे भी बात करता है, दूं क्या? बेवकूफ कहीं का चंदी चोर। ये तो एकदम सेम टू सेम है। सांसें चल रही है। अच्छा, गोलियां इसके दाईं तरफ लगी है। अस्पताल ले चलते, शायद बच जाएगा। चल। ओके। सुन। हाँ गुरु। अब इसको अंदर तू लेकर जाएगा। और तुम?
मेरा जाना ठीक नहीं है, चल चल चल। ओके गुरु, गुरु क्या हुआ बोलना। कोलकाता पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर तक पहुंच गई थी। मकान मालिक ने मेरा नंबर दे दिया, मैं सिम फेंक रहा हूँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रुके, अब कैसा है वो सेफ है, अब चलो ना। पता नहीं क्या होगा। अरे तुम रुक क्यों गए? रिसेप्शन पे उसका नाम क्या लिखवाया था? उसे जानता नहीं हो तो क्या नाम लिखवाऊंगा, ये उसका है। ये लेके जा, पेशेंट के नाम की जगह तू मेरा नाम लिखवा देना। ये उसके बेड के किनारे पर रख देना, पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ेगी लेकिन जेल वो जाएगा। ये तो धोखा हुआ ना? कोई टेंशन नहीं, पुलिस को जब पता लगेगा कि मैं वो नहीं हूँ तो उसे छोड़ देगी। इतना टाइम काफी है मेरे बैंकॉक निकलने के लिए। लाइन क्लियर, चल बेटा। हाँ सर। यही तो है मेरे सपनों की रानी, आज मिल ही गई मेरे को। ओके सर। यादव सर, जरा उन दोनों को पकड़ के ला। सुन, यही तो अपना वो हवाई जहाज है रे, जो अपन को बैंकॉक उड़ा कर ले जाएगा। चल खोल डाल। अभी लो। अरे बाप रे, फंस गए, पुलिस आ गई। लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में। भाग। हेलो, किसानों को लेकर सीएम साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चोरी हो गई है। सर हम दोनों मंदिर जा रहे थे पूजा के लिए तो इन्होंने खामखा पकड़ लिया। वो बाद में, पहले गाड़ी में बैठो शंकर। यार ये चश्मेश अपन को शंकर क्यों बुला रहा है? लगता है ये वही वाला है। बैठो शंकर। बैठो ना शंकर। मरवाए का क्या भी? कलेक्टर साहब कह रहे हैं ना बैठो। मेरे पहुँचने तक सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी टेबल पर तैयार रखना, समझ गए? क्या हुआ शंकर? परेशान हूँ सर। मेरे पास बहुत दिनों से तुम्हारा एक चेक पड़ा हुआ है, वही देना है। चेक? कितने का सर? वही 25 लाख का। 25 लाख का? उसमें और कोई मतलब जीएसटी फीएसटी जैसा टैक्स तो कट नहीं होगा ना सर? ऐसा कुछ नहीं है शंकर। तो दे दीजिए सर, शुभकाम में देरी कैसी? सबके सामने देना ठीक होगा। किस किस के सामने देंगे सर? तुम्हारे ओल्ड एज होम वालों के सामने। शंकर बाबू, शंकर बाबू आए हैं, आइए जी। कब से नहीं दिखे हो, हम तो पुलिस में कंप्लेंट करने वाले। पुलिस? क्यों भाई, मैंने क्या किया? ये तो कलेक्टर साहब की मेहरबानी है जो मुझे यहाँ पकड़ के ले आए। कलेक्टर साहब अब चेक। मैं आपकी सहायता के लिए चेक शंकर को दे रहा हूँ। थैंक्स। अरे अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे क्या किया, इसकी कीमत भी जानते हैं क्या थी? तो क्या हमारी कोई कीमत नहीं शंकर बाबू, ये हमारे हाथ की लड़ाई है। हाँ सही है, सही है। अब खड़ूस बुड्ढा, पैसा मिलने से पहले ही चेक फाड़ के रख दिया। सर इसे तो ऐसे फाड़ा फिर से चिपक भी नहीं सकता। ओके तुम इधर आओ। वो लोग नाराज हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा फैसला उनके हक में है। मैं 10 दिन बाद दूसरा चेक लाता हूँ। इस बार चेक नहीं सर, आप कैश ही दे दीजिएगा। तो क्या है ना सर, इतने सारे नोट फाड़ नहीं पाएंगे उल्लू के बुड्ढे। सरकार कभी भी कैश नहीं देती। तो आधा कैश आधा चेक दो। ओके आई विल ट्राई। ठीक है, कलेक्टर साहब तब तक मैं यहाँ मदर टेरेसा के पास ही खड़ा रहता हूँ। गुरु ये 25 लाख का मामला है, इन बुड्ढों में से कोई टांग फंसा दे तो। ये इन बुड्ढों के बस की बात नहीं। रहने दो, हर जगह कोई ना कोई एक होता है। क्या बना रहा है भुर्जी? फोरी है। अपने साइज के भटूरे बना? नहीं बनाऊंगा। क्यों? शंकर बाबू आए हैं, पूरी बनेगी। पूरी क्या होता है? पूरी होता है भेल पूरी, पानी पूरी। बचपन से यही कह रहा हूँ, अब क्यों बदलूं? हाँ ठीक है, यहाँ का आधा राशन मेरे दूसरे घर भेजा। पहले घर में भी भेज दिया। अबे वहाँ क्यों भेजा, वहाँ पर तो मेरी बीवी रहती है। मुझे वह पसंद है। अरे भुर्जी भाई, शंकर आए हैं, कम से कम आज तो पनीर भुर्जी बना दे भाई। चने की दाल खा के तेरे मुंह से इतनी बदबू आती है कि पड़ोसी भाग जाते हैं, ऊपर से पनीर भुर्जी खाएगा मोटे। चल जा भाई। क्या है आजकल तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, बुड्ढों से ढंग से बात करो नहीं तो किसी दिन भड़क जाएंगे। सबके सब सठिया गए हैं, कौन भड़केगा फोफले। बुड्ढे लोग का आश्रम है कि फिल्म का सेट बेचेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1-1.5 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। शंकर के लिए दूध और दूसरे के लिए कॉफी, ये लो शंकर। थैंक्स शंकर। हाँ ये कॉफी है। कॉफी?
कॉफी और तुम अब हाँ पहले मेहमान को देते हैं। थैंक यू। ये कौन है? मेरा प्यारा दोस्त। आपका नाम क्या है? शंकर, मेरा नाम बता दो। आपको इनका नाम का चार डालना है? नाम पूछने पर इतना नाराज क्यों हो गया, बताना। पहले बकरी का दूध लेकर आइए, फिर बताऊंगा। शंकर को इतना गुस्सा तो नहीं आता। अब तो तुम्हें नाम बताना ही पड़ेगा। डॉबरमैन। तुमने अपना नाम कुत्ते पर क्यों रखा है? मेरे पापा का प्यारा कुत्ता मर गया तो वही नाम मुझे दे दिया। तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। है? पार्वती? हाँ। पुरुष का नाम? मेरे फादर की एक प्रेमिका थी, उसी के नाम पर रख दिया। ओ, तुम्हारा बाप अच्छा था, तुम्हें इंसान का नाम दे दिया। अच्छा तुम शंकर को कैसे जानते हो? एक कॉफी पिला के सब पूछ लोगे क्या? मूंग की दाल में कुछ काला पीला है, मैं ढूंढ निकालूंगा। सर, छोटी सी गलती हो गई है, गोली तो चलाई पर शंकर बच गया। ब्लडी फेलियर, बोल की गोली धोखा दी गई, ये मत बोल गलती हो गई। कभी नहीं, अग्रवाल नेवर फेल्स। उसकी मौत अब दूर नहीं है। आई विल डील विद हिम। इन लोगों की फोटो की आरती क्यों उतार रहे हैं? आज के दिन इन लोगों का श्राद्ध है बेटा। छे के छे आज ही मरे थे? हाँ बेटा, इन सभी ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। ऐसा क्यों? शंकर बाबू की जान बचाने के लिए। शंकर बाबू, आज हमारे गांव में बच्चों और बूढ़ों ने उपवास रखा हुआ है, वो तभी खाएंगे जब आप ये पूजा पूरी कर देंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप तर्पण कर दें। हाँ आइए आइए, चल आ जाइए। एक आदमी को बचाने के लिए छह लोग मारे गए? शंकर के लिए छह तो क्या, यहाँ पर मौजूद सब मरने को तैयार है बेटा। उसके गांव के ये सारे लोग यहाँ जमा होकर इस आश्रम की और हम सब की बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। गुरु, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम भूत बंगले में आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से जल्दी भाग लेते हैं। अरे तुम क्यों रो रहे हो? बेचारे, सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए छह बुड्ढों ने आत्महत्या कर ली। बेचारे, अच्छा होता कि जिसने चेक फाड़ा वो मर जाता। उल्लू का पट्टा, सारे के सारे गधे जिंदा हैं और अच्छे लोग बेचारे मर गए। गुरु देखो, टॉपिक से यहाँ मत जाओ। उस शंकर को पांच लोगों ने मारा और उसके लिए छह लोग मर गए। ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से निकल चलो। नहीं जाऊंगा, जब वो कलेक्टर कैश देगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। तुम यहाँ आराम से बैठकर दारू पी रहे हो और उधर वो डॉबो मैंने कुत्ते की तरह हमें नोचने के लिए सूंघ रहा है। अबे हलुआ है क्या, उसको कभी बो ना आए, ये देख इसीलिए तुलसी के पत्ते रखता हूँ। परमेश्वर गिर गया, परमेश्वर गिर गया, जल्दी मारो, जल्दी मारो। धीरे धीरे शांत हो जाओ। क्या हुआ इनको? पालक और मूंग इफ ने ठूफ ठूफ कर खा लिया, अब पेट में गैस भर गई है। ओ, इनके तो इनका कोई भी रिश्तेदार फोन नहीं उठा रहा है, किसी से बात नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो देख क्या रहे हो, इनके मुंह में सांसें दो ना तुम। इसके मुंह में सांस दो? परमेश्वर 10 दिन में एक बार मुंह धोता है, गंदी नाली की वाफ आती है। वो डाबर का हमदर्द कहाँ है? मेरा डाउट करेक्ट था, अब मैं भौंकूंगा नहीं, डायरेक्ट काट खाऊंगा। ओल्ड एज होम के रूल के हिसाब से पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे यार, आप हर समय पुलिस ही बुलाते रहते, खुद भी तो कुछ करिए। यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है, यहाँ क्या हो क्या रहा है, है? इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये दारू कहाँ महक रही है? अरे तू ही पी के आया होगा और क्या, मुझे तुलसी की महक भी आ रही है। अब एक आदमी की सांसें लीक हो रही है और तू कुत्ते की तरह सूंघ रहा है, चल मुंह से मुंह लगा उसके। जल्दी जल्दी भर दे, भर भर, अपने मुंह से भरना। ऐसे लग रहा है लव सीन चल रहा है। भर भर भर, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़। अरे इनके रिश्तेदार आ गए, इतनी जल्दी आने के क्या, ये इनको मरने के लिए छोड़ दिया और अब आ रहे हो, दो क्या खर्चा पानी। शुभ लक्ष्मी, ये तुम्हारे? मेरे दादाजी है। हमारे दादाजी है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं खुद हॉस्पिटल लेकर जाता। कोई बात नहीं, आप जाकर सो जाइए, मैं देख लूंगी। सुना आपने, जाइए जाइए सो जाइए, मैं यहाँ रुक रही हूँ, आप भी जाइए।
प्लीज गो। ओके। ओ बाटे टच। अपनी दारू की महक छुपाने के लिए तूने मेरी वाट लगा दी। अब देखना, ग्लास हैंडेड पकड़ूंगा तुझे। दादाजी, लेडीज के पास तो फीलिंग्स होती ही नहीं है। कितना हैंडसम दिख रहा हूं। बाहर में जाओ। सॉरी, एयरपोर्ट पर मुझे पता नहीं था कि आप ही शंकर हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरे दादाजी रात भर आपकी तारीफ करते रहे। आप अन्याय बर्दाश्त नहीं करते ना? बिल्कुल नहीं। बुराई भी सही नहीं होती आपसे। कभी नहीं। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बताइए ना। मेरे एरिया के कॉर्पोरेटर को पीटना है। हो जाएगा? लेकिन क्यों? वो कॉलोनी साफ नहीं रखता था, तो उसे प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने उसके घर में कचरा फेंक दिया, फिर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन क्यों? तुम प्रोटेक्ट करोगे जो कोई भी मार देगा? हाँ, मैंने प्रोटेक्ट नहीं कहा, प्रोटेस्ट। हाँ हाँ, वही वही वही, कोई भी मार देगा। आ जाओ, एक लाफा देता हूँ, फॉलो मी। नीचे तक जाएंगे तो ज्यादा जगह है। आप ये रहा। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देख लीजिए और फिर साइन कर लीजिए सर। अच्छा, अंजनी कौवा लेकर आई है, क्या कर लेगा? मारने आया मुझे? एक कान के नीचे दूंगा ना। शॉट कैसा लगा? थैंक यू सो मच। सेट पॉइंट पे आके तुम मिलो मूवी हॉल में छुपके, तुम चलो दिल की धड़कन, अब से तुम हो सुंदरी, ए सुंदरी, मुझसे बातें हमदम, तुम करो ब्यूटीफुल अप्सरा एकदम, तुम लगो मन में मेरे हरदम, तुम हो सुंदरी, ए सुंदरी, रोके आया धड़कन ना रुके जब तुम हो जैसे लड़की, वर्ल्ड बैंक जाके ब्लैंक चेक भर लो, खोजे तुम सना मिले, क्यूटी आजा संग चले, लाइक करता तुमको, लव करती हो तो तुम मुझे थाम लो, सनसेट पॉइंट पे आके तुम मिलो मूवी हॉल में छुपके, तुम चलो दिल की धड़कन, अब से तुम हो सुंदरी, ए सुंदरी। जैसी तेरी बॉडी भी क्यूट सा, ओए तेरा नखरा मैग्नेट, लती तेरी बॉडी ही ऐसे ना ठुमका मारो यूं ही मैं बता फिरूं, ट्यूबलाइट जैसी डल नाइट को फुल ब्राइट, तूने कर दिया रे मूनलाइट, जैसी ब्यूटी तुम हो हाँ हार्ट लाइट, तुम करो मन का वेट कम करो, खोल दे रोमांस गेट को, अब चाहूं दिल की सीट को, लिख दे तो कॉपीराइट सी हाँ ना, मेरा फिक्स हो मैं भी तू भी मिक्स हो, सनसेट पॉइंट पे आके तुम मिलो मूवी हॉल में छुपके, तुम चलो दिल की धड़कन, अब से तुम हो सुंदरी, ए सुंदरी। Shaba 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 shaba, dubi daba dubi 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 daba, sundari sundari.
होना उसी वक्त ही फुटबॉल गोल तूने मार दिया कंट्रोल होना उसी वक्त ही हिप दिखा के मुझको हिप्नोटाइज ना करो राइफल को लोड करके टारगेट को तूने मार दिया लिपस्टिक के रेड जैसा लव सिंबल मुझको शो तुम ना करो अरे यार लेफ्ट साइड को तेरी साथ तेरे खुली दिल की खिड़की प्रोग्राम है नाइट फ्लाइट का ओ हनीमून स्पॉट की बुकिंग कब की कर दी सनसेट पॉइंट पे आके तुम मिलो मूवी हॉल में छुपके तुम चलो दिल की धड़कन अब से तुम हो सुंदरी ए सुंदरी मुझसे बातें हमदम तुम करो ब्यूटीफुल अप्सरा एकदम तुम लगो मन में मेरे हरदम तुम हो सुंदरी ए सुंदरी क्या है हम कहाँ हैं? Hey, क्या बोल रहा है यहाँ मुजरिमों की बात कोई नहीं सुनता ये कलकत्ता जेल है कलकत्ता कलकत्ता जेल आपने हमें क्यों पकड़ा है और आज डेट क्या है 8 जनवरी सर जनवरी 16 को हमें हैदराबाद पहुँचना है और हमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने हाई कोर्ट में प्लीज किसी और की जगह मुझे एक्सक्यूज मी आई नीड टू टॉक टू योर हायर ऑफिशियल्स पैर भी चेक करो ये गुरु भाई नहीं है सर सर प्लीज हेल्प मी अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ठीक है मैं देखता हूँ घबराओ नहीं सर 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 आप क्या करेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर प्लीज इसे अलग सेल में रखो जहाँ इसे कोई बात भी ना कर पाए और जब तक गुरु भाई नहीं मिल जाता इस पे निगाह रखो वरना हम सबकी नौकरियां चली जाएंगी ये कलेक्टर भी कैसा है यार ना तो पैसा आ रहा है ना फोन फंस कर रह गया अपन लोग टेंशन हो रही बहुत टेंशन मत लो ये लो आज मंगलवार का दिन है मैं छूता भी नहीं ओहो अगर कोई अपने हाथ से पिला दे तो तू तो गया ए उठो मैं कह रहा हूँ जल्दी उठाओ चलो चलो तुम सब पर शॉकिंग फिल्म दिखाता हूँ फ्री में फॉलो मी मजा आ रहा है आ जाओ वाह 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 बनता है भोला लेकिन हाथ में शराब का गोला ये क्या हो रहा है आप सब यहाँ पर अचानक कैसे बाबूजी तीर्थ प्राशन कर रहे हैं हम दर्शन करने आए हैं देख क्या रहे हो पूछो ए शंकर बाबू ये क्या पी रहे हो पी नहीं रहा हूँ ले रहा हूँ क्यों ले नहीं सकता मैं नहीं ले सकते भला ग्रीन टी पीने में क्या हर्ज हो सकता है ग्रीन टी हाँ पियो मैं टेस्ट नहीं करूंगा इन लोगों को टेस्ट करवाओ आप पीजिए अंकल जी ये तो ग्रीन टी है क्या ग्रीन टी है ग्रीन टी और स्कॉच विस्की में क्या फर्क है तू जानता भी है नल का पानी पी के बड़ा हुआ है इसको मैं टेस्ट करता हूँ ये क्या ग्रीन टी और विस्की का टेस्ट एक क्यों है कोई नया ब्रांड आया है क्या पुराना ब्रांड है ग्रीन टी का पेट की प्रॉब्लम थी तो पी रहे थे गलत है क्या आप ही लोग बताइए क्या फालतू आदमी है शंकर पे शक करना शंकर बाबू जैसे इंसान का शक करता है बेवकूफ कहीं का इसे चप्पल से मारो इसने हमारी नींद खराब कर दी अबे खाना खाता है या घास खाता है चलो सब जने बेवकूफ कहीं का हम खा जगा दिया चलो चलो भाई तुमने भूड़े फेरों को फोते फे जगा दिया है ये ना खुद फोएंगे ना मुझे फोने देंगे इनकी फेवा में मेरी बच जाएगी ये फीन दिखाना जरूरी था क्या यहाँ डीवीडी बदल गई है पतली गली ले ले पतली गली से फटक ले फटक ले मैं बरामदे में सोऊंगा चलो डाबर जी शंकर जी इसकी जम के फिटाई करना यहाँ डीवीडी नहीं बदली ग्लास बदला है अभी जितना खुश होना है हो ले मेरे दर्द दिल में बदला है जब कल वो कलेक्टर यहाँ पैसा लेकर आएगा तब तुझ पर लगाऊंगा दी एंड का बोर्ड तो बहुत भौंकता है अरे भौंकने देना तू वेट कर इसकी फिल्म तो हम बनाएंगे Help! Help!
है? पप्पी पामने तम्मा तम्मा हो रहा है। देखकर मजे क्या ले रहे? उठाओ से। उठा दो। अरे छोड़। उठाओ। अरे रे ये क्या कर रहा है? ये कोई आटा नहीं है जिसे तू गून रहा है। आप कौन है देवी? रात के आखिरी प्रहर में। मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। कुछ गुंडे पीछे पड़े थे, जब कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ चली आई। पानी वानी पियोगी? वो नहीं चाहिए, अभी पीकर ही आई। दारू? होम्योपैथी दवाई। इतनी रात को मुझ जैसी सीधी लड़की की रक्षा कीजिए ना। ए फगले, मेरे फोटे से कमरे में फौजा, बहुत मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं। देवी आप कृपा करके अपने आप को बुजुर्गों के कक्ष में ले जाइए, तभी आपकी सुरक्षा संभव है। शंकर डाबर, वहाँ लोग खर्राटे लेते हैं और गैस छोड़ते हैं, रात को ये मेरे कमरे में सो सकती है। करेक्ट, इनसे आपको कोई खतरा नहीं। थैंक यू। हे देवी, ये कुत्ते की तरह रखवाली करेंगे। क्या गरम दूध से हाथ चल गया? दूध और मैं दोनों ही गरम हैं। दूध पियो ना। पहले आप पीजिए, फिर मैं पीऊंगी। ये कमरा क्यों घूम रहा है? पकड़ो पकड़ो। हो गया काम। बेहोश हो गया। तूने ये क्यों किया? तूने ये क्यों किया? ये लड़की रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? हाँ। इस फूल सी बच्ची के साथ क्या किया? ये फूल जैसी बच्ची नहीं है, कच्ची कैरी है। अरे कोई मुझे बताएगा ये बिना बात के क्यों रो रही है? बिना बात के नहीं, मेरे पास एक इज्जत थी जो इसने लूट ली। इज्जत 100-150 नहीं होती है, एक ही होती है। चुप कर और बताओ क्या हुआ। देखिए भैया देखिए, ये कैसी कैसी बात करके मेरी इज्जत उड़ा रहे हैं। चुप हो जा। अरे मैं मर जाऊं। सुनो मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज रुक जाओ। इन्होंने तो मुझे जीते जी मार दिया, मैं मरने जा रही हूँ। मर जा डाबर, वो मरने जा रहे हैं, रोको उसे। उसे क्यों रोकूं? बहुत देखी है ऐसी कई लड़कियां आई और चली गईं, ये इकलौती नहीं है। वो मरना चाहे तो मैं क्या करूं? उसकी बात का कोई सबूत है तो बताओ। सबूत की इतनी इंपॉर्टेंस होती है? अरे खुद को ही ले लो तुम। तुम असली शंकर नहीं हो मैं जानता हूँ, पर सबूत नहीं है। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगा ना, तुम्हें चुटकी बजाकर जेल पहुंचा दूंगा। इसीलिए तो वो मुझे ये दे गई है। ये क्या है? सबूत देख। ये सब मैंने नहीं किया है ना? और नहीं तो क्या तेरे बाप ने किया? पर ये कुछ अलग दिखता है, मेरा तो फुल पैक है, उसकी तो बॉडी ही नहीं है। जब ये सबूत पुलिस देखेगी ना, तब वो तेरी उं, उं। शंकर डाबर कहाँ गया? डाबर शंकर क्या कर रहा है? हा? मुझे पुलिस और बीवी की मार से बहुत डर लगता है रे। आज से तू ही मेरा शंकर, गुड़ और शक्कर। अपने मुंह में टेप लगा कर बैठ, नहीं तो मैं इस आर्ट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेज दूंगा। मेरे मुंह पर ताला कब तक रहेगा? जब तक कलेक्टर कैश न दे दे। मुन्ना ये कहाँ खिसक गया? अबे मुन्ना, तुम्हारा मुन्नो ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठा है। तू उसके साथ आना चाहेगा या फिर उसकी लाश उठाएगा? सर द किंग। हाय। शंकर 3 साल वेट किया, अब और नहीं करूंगा। इस बार तू बच नहीं सकता, दिखाओ। तेरे ओल्ड एज होम में बुड्ढों की शेव बनाने वाले मेरे लोग हैं, उनके उस्तरे दिख रहे हैं ना? मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा और तेरे बुड्ढे कट जाएंगे, दिखाओ। रुको 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 रुको, क्या हुआ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? फर्स्ट टाइम शंकर ने कहा है कि मुझे क्या चाहिए। तेरा लक साथ दे रहा है, गुड। चलो मैं तुझे बताता हूं। 1, फिंगरप्रिंट्स चाहिए तेरे गांव के 10 लोगों के। 2, लॉयर से केस वापस लेने को बोल। 3, मैं तुझे 25 करोड़ दूंगा और तू ये देश छोड़कर बाहर चला जाएगा। 25 करोड़?
25 करोड़? यस, ये 15 करोड़ है, ले जा। बाकी के 10 करोड़ पेपर साइन कराने के बाद मिलेंगे। अब निकल। ए मुन्नो। हाँ करो। चल बेटा बैग उठा। ओके ओके। ए अंग्रेजी सूट, ये पैसा तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तू ये मत समझना कि जब भी तू चाहेगा मुझे अपनी उंगली पर नचा लेगा, क्योंकि जो अपन चाहता है वही करता है, वही अपन देखता भी है, और कोई अगर जबरदस्ती करता है तो काट डालता है। हलुआ मत समझ लेना। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं? कुछ बुड्ढों को दे दूंगा, कुछ तुझे दे दूंगा, ओके, और बचा हुआ पैसा मैं और शुभ लक्ष्मी। इस सूटकेस में क्या है शंकर बाबू? कैश। कितना? 15 लाख है। करोड़? किसने दिया? किसी ने भी दिया हो क्या फर्क पड़ता है, तू बस एक काम कर, मेरा शंकर के गांव वालों को मिला। लेकिन शंकर तो तुम ही हो ना। अबे ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, अपन के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं मेरे गुड़ और शक्कर, अगर किसी ने छिपकर ये बात सुन ली तो उसकी तो ऐसी वाट लगेगी जैसी कि मेरी लगी। अबे घबरा मत, 10 लोगों को बुला ले, बिना बुलाए सब चले आ रहे। क्या शंकर बाबू, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, टाइम हुआ जा रहा है, हम सभी को क्लब जाना है। हा? इस उम्र में आप लोग क्लब जाएंगे? अरे क्लब मतलब लाइंस क्लब, वहाँ आपका सम्मान है। सम्मान वम्मान मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मान जाइए शंकर बाबू, आपके सम्मान के लिए ना सही, हमें मिलने वाले 4 लाख के लिए तो चलिए। 4 लाख? करोड़ों लूट कर आया है, ऊपर से लाख का लालच भी है। करोड़ हो तो भी लाख को मना नहीं करना चाहिए। क्या मैं अपने मन में भी बोल नहीं सकता सर? नो। ओके, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो। वापस चलिए, वापस चलिए। शंकर बाबू, जनता वापस जाने के लिए खड़ी हो गई तो हम भी चलते हैं, शो खत्म हो गया। वो सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे इसलिए खड़े हुए हैं। क्या? यानी मेरे इंतजार में थे वो? शंकर तू? अबे ये शंकर का भूत मेरे पीछे पड़ा ही रहेगा। आप सबको नमस्कार। इस सभागृह में जमा होने की एक वजह है, एक व्यक्ति, नाम है शंकर। कुछ समय पहले तक वो अपने ही सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे, और आज बहुत सारे सवालों के वो खुद जवाब हैं। कौन है ये शंकर, उनके बारे में जानने के लिए देखते हैं ये फिल्म। रायलसीमा में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है नीरू, मतलब है पानी, पर वहां पानी नहीं है। गांव की प्यासी धरती बहुत दिनों से अपने अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। इसी गांव के गरीब किसान के घर में पैदा हुआ एक साधारण लड़का है शंकर कुमार प्रसाद। मेरा नाम वीरेंद्र है, नीरू मेरा गांव नहीं है, पर मेरी पत्नी इसी गांव की है। इस गांव की पंचायत में पहली बार मैंने शंकर बाबू को देखा। ठीक है, बीवियां कहती हैं कि यहां के लोग जमीन नहीं बेचते, लेकिन जो जमीन हमें दहेज में मिली है वो क्यों ना बेचें? इस गांव का दामाद बनना तो गुनाह हो गया है। यहां कॉर्पोरेट कंपनी वालों ने आसपास के गांव की सारी जमीनों को पहले खरीद लिया है, हमारी मुट्ठी भर जमीन भी उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर पैसे की जरूरत है तो किसान को बेचो, खेती तो होगी, लेकिन वापस उस कॉर्पोरेट कंपनी को मत बेचो, मर जाओगे। जिसे 2 जून की रोटी नसीब नहीं है वो जमीन कैसे खरीदेगा? इस बंजर सूखी जमीन को कोई भी खरीदे, हमें तो बस पैसे चाहिए। बात को समझो बाबा। देखिए, नोट नकली हो सकता है, जमीन नकली नहीं हो सकती। आज तो आप इस जमीन को बेच देंगे, पर जब कल यही जमीन आपकी आंखों के सामने करोड़ों में जाएगी तो आपको अफसोस होगा। जमीन से बढ़कर कोई सहारा नहीं, वो दस्तावेज ही काफी है। आपका परिवार इस संपत्ति की वजह से चैन की नींद सो सकता है। मान लिया, अगर वहाँ कुछ उगता तो ठीक था, लेकिन वहाँ पानी कहाँ है? बंजर जमीन को बेचना वैसा ही है जैसे बीमार बूढ़ी माँ को बेचना। हल चलाने से कुछ पैदा तो होता नहीं है, मेरी बात मानिए, आप खेती बाड़ी की रट लगाना छोड़िए, व्यापार करते हैं। खेती व्यवसाय या व्यापार नहीं है, ये फर्ज है। राजा का राज करना, पंडित का पूजा करना वो फर्ज है, तो खेती करना भी फर्ज है। कौन कहता है यहाँ पानी की कमी है? हमने हाइड्रोलॉजी पढ़ी है, अगर इस जमीन के अंदर के पानी को हम किसी तरह भी बाहर निकाल पाए तो इस जिले के सारे गांवों को इसी गांव से पानी दे सकते हैं। ये बात तो तुम पिछले 6 महीने से कह रहे हो, हम और कितने दिन तक उम्मीद लगा कर रखें बताओ? रुको, मेरी बात सुनो, मैं प्रोफेसर हूँ, शंकर और ये दोनों लड़के मेरे स्टूडेंट्स है। इस गाँव का ये सैटेलाइट पिक्चर है, ये जमीन का निचला हिस्सा है, ये सफेद जगह दिखाई दे रही है वो पानी है, छुपी हुई नदी, इसीलिए इस गांव का नाम नीरू रखा गया है। यही पानी कॉर्पोरेट कंपनी की सबसे बड़ी जरूरत है, वास्तव में उन्हें ये जमीन नहीं चाहिए, इस जमीन के नीचे का पानी चाहिए।
ठीक है, आप नदी ढूंढोगे, गहराई निकालोगे, फिर पानी बाहर निकालोगे, ये सब होने तक कंपनी चुप नहीं बैठेगी। अगर वो दूसरे गांव चले गए तो हम क्या करेंगे, तुम ही बताओ। हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम वाटर सोर्स खोजने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम लोग अपने घर जाते हैं। जब तक पानी नहीं मिलेगा हमारी बीवियां अपने माँ बाप के घर यहीं रहेंगी। जब पानी मिल जाएगा हम आकर उन्हें ले जाएंगे। चलो रे। अरे हमारी बात तो सुनिए। हटो, जब तुम्हारे गांव में पानी आ जाए तब ससुराल आ रहा। शंकर भैया, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हमारा यकीन कीजिए। साईं, थोड़ा सा आगे लो। भैया दूध वहीं रख दो। कॉर्पोरेट सेक्टर भैया, ये कॉर्पोरेट वाला क्या होता है, ये लोग कौन है? जो सस्ते में हमारी जमीनें खरीद लेते हैं और महंगे में फिर हमें ही बेच देते हैं। पहले वो ब्रिटिशर्स होते थे, अब कॉर्पोरेट्स हैं। ओ, सुनो हरिता। हाँ भैया। इधर आओ। क्या हुआ? जरा इसे सुनो। पानी? हाँ? अम्मा इधर आइए, पानी मिल गया। आइए, पानी मिल गया। सुनिए, हाँ पानी की आवाज। वो जमीन किसकी है? हमारे रामलाल की। अरे वो लोग रामलाल को मार रहे हैं। और वो वाली? वो कमरुद्दीन की है। और वो नरसिंह की। और उधर वाली? वो अपनी है बेटा। अरे शंकर भैया, Oh my God! क्या हो रहा है यहाँ पर? गेट खोलो। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? यही बात तो हम लोग भी पूछ रहे हैं, कौन है आप लोग? देखिए ये जमीनें हमारी हैं। कंपनी से और पैसा चाहिए क्या? रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी पैसा मिल जाएगा। चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। कैसा पैसा और कैसा रजिस्ट्रेशन, क्या बात करते हो? हमने जमीन किसी को नहीं बेची। जस्ट अ मिनट राम बाबू, जमीनों के जीरोक्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ ले आओ। बेचे अंगूठा लगा दिया, ये लो जमीनों के कागजात।
प्रोफेसर और स्टूडेंट से हमें धोखा दिया, वो भी कंपनी से मिले हुए थे। अब क्या करें शंकर बाबू, अब किस पर भरोसा करें? बाबा ये लोग इंसान की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, कॉर्पोरेट कंपनी की औलादे हैं। इंसान तो सिर्फ अनाज खाता है, ये अनाज उगाने वाले किसानों को खाते हैं। इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इन हत्याओं का हिसाब इन सबको देना ही पड़ेगा, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। ए, रुको इनको। मेरी बात तो सुनिए, हम लोग गुंडे नहीं है, किसान है, अपनी प्रॉब्लम कलेक्टर को बताने आए हैं। सर 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 एक मिनट मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ठीक है सिर्फ उसे आने दो। ए, हट जाओ, चले। सर हम सब नीरू गांव के किसान हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे गांव में कुछ किसान। तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, पता नहीं ये लंच का टाइम है? ये लंच भी तो इन्हीं किसानों का दिया हुआ है सर, आप इन लोगों के लिए एक मिनट भी नहीं निकाल सकते? ठीक है अपनी प्रॉब्लम एक कागज पर लिख दो, सबके सिग्नेचर ले लो उस पे और मेरे ऑफिस में छुड़वा दो, मैं देख लूंगा। सर रुक जाओ, कहाँ से लाए हो इन लोगों को? हम सब एक ही गाँव के हैं सर। तुम किसी बड़े शहर क्यों नहीं चले जाते, वहाँ तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, यहाँ गाँव में अपना सर क्यों खपा रहे हो? जाओ बड़े शहर जाओ और लाइफ बनाओ अपनी, जाओ। सर मैं भले ही बड़ा आदमी बन जाऊँ, किसी बड़े शहर में जाकर कितना ही पैसा क्यों न कमा लूं, लेकिन मेरी पहचान तो मेरे गांव से ही होगी, शहर से नहीं। पर तुम्हें चाहिए क्या? हमें हमारे गांव चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए, उन लोगों की जिंदगी चाहिए जिन्हें मारकर उनके अंगूठे के निशान लिए गए। इन लोगों के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पिता की लाश, मेरे पिता हाई स्कूल पास थे, ये सारे सर्टिफिकेट्स उसका सबूत है, उन्हें क्या जरूरत थी अंगूठा लगाने की, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? देखो मैं तुम्हें उस अग्रवाल के पास ले जा सकता हूँ, चेक ले लो और मामला सेटल करो। अन्न खाने वाला कभी ऐसी बात नहीं कर सकता, घास खाने वाले जानवर लगते हो तुम। सब मारे जाओगे। बहन है तेरी, ये भी क्या गांव के रहने वाली है, काफी जवान है। जवान संभाल के बात कर, आगे बोला तो छोड़ूंगा नहीं, सुधर जा। पुलिस के कॉलर पर हाथ डाला तूने, तेरे जैसे गवार किसानों को कैसे उकसाया जाता है ये मैं जानता हूँ, चल। सर ए, क्या कर रहे हो? अरे वो मेरे पापा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे, वो तो दुनिया से चले गए, उनके सर्टिफिकेट्स को भी जला दिया, तुम्हें पाप लगेगा। कुछ नहीं लगेगा, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, अगर तू सुधरा नहीं तो यही हश्र तेरा भी कर दूंगा। पुलिस का कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार होता है, और तू नेताओं के तलवे चाटने वाले कुत्ते से भी बदतर है, ये वर्दी उतार दे और किसी चपरासी की वर्दी पहन ले। शंकर को छोड़ तो देंगे ना? कुछ नहीं हुआ। शंकर कहाँ है तू? मेरे बेटे शंकर को छोड़ दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। शंकर तू ठीक है ना? सूखनी नहीं चाहिए, चाहे वो पानी हो या हमारे आंसू, मिट्टी गीली रहनी चाहिए, हमारी जमीन, हमारा गांव, हमारा पानी हम किसी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे वो हमारी जान ही क्यों न ले ले। फसल जरूर होगी, किसान जरूर जिएगा, हम जीतेंगे, हाँ हम जरूर जीतेंगे। देखिए पुलिस आपकी एक नहीं सुनेगी, वो सिर्फ मीडिया की बात सुनती है, हमारा चैनल लोकल है, बस कुछ ही लोग देखते हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, मैं आपको नंबर देता हूँ आप कांटेक्ट कीजिए, वरना ये शंकर को मार देंगे। हमें नंबर दे दो बेटा। हाँ बोलिए। जी नमस्कार, हम नीरू गांव से बोल रहे हैं। हाँ बताइए, वहाँ कुछ हुआ है क्या? हमारे शंकर बाबू के साथ जबरदस्ती हो रही है। इस तरह की जबरदस्ती पुलिस हर जगह करती है, कुछ चटपटी खबर हो तो बताइए। चटपटी खबर कैसी होती है? जो पब्लिक पसंद करे। क्या किसानों की परेशानी पब्लिक देखना नहीं चाहती? वो कौन देखना चाहेगा, समस्या थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए। मंत्री के घर पर पत्थर फेंको, शहर में चक्का जाम कर दो, ट्रेनें रुकवा दो, बसें जला दो, दो दिन भर टेलीकास्ट होगा। किसान ये सब नहीं करते। वो करो जो तुम जानते हो। क्या? वो लोग शंकर को कभी भी लॉकअप में मार सकते हैं,
अगर कभी ऐसा हो तो पहले हमें बताना, फिर देखना कैसी पब्लिसिटी होती है, परसेंटेज भी दूंगा। पानी 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 आंखों का ये पानी रूह को निचोड़ आए क्यों, दिल का है लहू ये हारा मैं कहूँ ये साथ ना मेरे कोई है क्यों। जमीन बचानी होगी और शंकर बाबू को भी, और उसके लिए मियाँ हमें अपने गांव में हुए अन्याय को देश को दिखाना होगा। हम देश के टीवी चैनल और अखबार को यहाँ खींच कर लाएंगे, किसानों की चीख पुकार भूमंडल पर गूंजेगी, और उसके लिए हम वही करेंगे जो हमने सोचा है। उनके हिसाब से किसान किसी काम का नहीं होता, लेकिन किसान मजबूर नहीं है। और उस दिन उन्होंने जो निर्णय लिया वो था मास सुसाइड, सामूहिक बलिदान। मैं हूँ राजू, डी टीवी का रिपोर्टर हूँ। उस घटना की रिकॉर्डिंग मैंने की थी। कुछ लोग आए और मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी के अंदर ले गए। सर नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनिए। जान लेना और देना दोनों हमारे मजहब में पाप है, मगर क्या करें, गांव को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम इस पानी में अपना खून मिला रहे हैं, अगर फैक्ट्री शुरू हुई तो उसके पानी में जो रंग होगा वो हमारा खून होगा। शंकर बाबू को रिहा करो और किसानों की जमीनें वापस करो। हमारे आंसुओं को कोल्ड ड्रिंक में मिलाने वाली फैक्ट्री बंद करो, यही हमारी तमन्ना है। ये हसिया जो कभी हमारी फसल काटती थी आज हमारी गर्दन काटेगी। उनकी आह सुन लो, चीखें उनकी देखो, जान ले वह भूख है यहाँ। 70 साल के बूढ़े किसानों ने खून से नीरू गांव की जमीन सींची है। ये इतिहास का काला दिन था। असेंबली और पार्लियामेंट में मौन रखा गया। फैसला होने तक नीरू की कोला फैक्ट्री पर कोर्ट के आदेश से रोक लगा दी गई। इस आदेश के बाद एक निष्पक्ष जांच समिति बनाई गई जिसे कृष्णमूर्ति कमेटी कहा गया। शंकर को रिहा कर दिया गया। जब सरकार ने कलेक्टर के हाथ से 25 लाख रुपए हर शहीद किसान को देने चाहे तो किसानों ने मना कर दिया। इस पूरे गांव ने एकजुट होकर फैसला किया कि इस गांव का एक भी पुरुष मामला सुलझने तक गांव में नहीं रहेगा। किसानों की तरफ से कोर्ट में केस लड़ने की जिम्मेदारी श्री शंकर प्रसाद को दी गई। केस लड़ने की खातिर पैसा जमा करने के लिए और शंकर की मदद के लिए सभी लोग देश और प्रदेश में मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। क्या ये प्यास बुझेगी, फसल क्या खिलेगी, बहतीं दुखी आँखों से। शंकर हैदराबाद में इस केस के कुछ खास बुजुर्ग गवाहों के साथ रहकर हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है। इस बात को 3 साल हो गए। लाखों करोड़ों की ब्लैक मनी रखने वाली मल्टीनेशनल कंपनी से दर दर की ठोकरें खाने वाले किसानों की एक लगातार लड़ाई जारी है। इस समय नीरू गांव के लोग कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए। शंकर भाई कैसे हो? मेरा नाम रहीम है, चेन्नई रेलवे स्टेशन पर मैं कंपार्टमेंट साफ करता हूँ। तुम जल्दी से केस जीतो भाई, मन करता है मैं अपने गाँव आकर खेती बाड़ी करूँ भाई। शंकर भाई कैसे हो? मैं मुंबई के एक दारू के ठेके पे काम करता हूँ, यहाँ कोई इज्जत नहीं है, सभी लोग दुत्कारते हैं। खैर ये सब छोड़िए, हम ये लड़ाई जीतेंगे ना, मेरा सबको नमस्ते कहना और आप फोन पर मेरी माँ से बात करते रहना, आपसे बात करके उसे हिम्मत मिलेगी। भैया मैं गोविंद दादा का बेटा हूँ, यहाँ शहर में गटर साफ करता हूँ। जिन हाथों को खेतों में काम करना चाहिए वो गटर साफ करते हैं। मुझे गाँव लौटना है भैया, आप जल्दी से केस जीतो। ये रहा 4 लाख रुपए का चेक। ये केवल पैसा नहीं है, ये हर उस गांव वाले की उम्मीद है, आंसू है, जो उसने मेहनत से घर से दूर रहकर जमा किए हैं। हमारे क्लब ने उसे जमा किया है और अब मैं इसे श्री शंकर जी को देता हूं। एक बात और, एक खास बात और, एक गांव के सारे मर्द
माँ बाप को, बेटा बेटी को, भाई बहन को, यानी अपने पूरे परिवार को छोड़कर इसलिए दूर रहे क्योंकि उन्हें शंकर पर भरोसा है, क्योंकि वही उन सबको अंदर से हिम्मत देता है। मिस्टर शंकर प्लीज। और ये 2400 रुपए के सिक्के हैं, ये कई लोगों की मेहनत की कमाई है, स्वीकार कीजिए। ये क्या है? गुरु ने कहा है कि वो कागज तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, अपना पैसा ले लो। हेलो सर, अब क्या करना है? पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्यों? मैं सरेंडर करूंगा, बहुत बड़ी गलती की है। शंकर के बारे में जानने के बाद मेरा यहां रहना ठीक नहीं है। हेलो, क्या क्या हुआ? ओल्ड एज होम में गुंडों ने आकर बुड्ढों को बहुत पीटा है। जल्दी यू टर्न लो। शंकर बाबू, ये देखिए गुंडों ने हमारा क्या हाल कर दिया है। कागजात पर अंगूठा नहीं लगाने पर उनके गुंडों ने हमें बहुत मारा। शंकर बाबू, एम्बुलेंस को फोन किया, ये लोग मना कर रहे हैं। बाबू मुन्ना, क्या करो? एम्बुलेंस को बुलाओ। चलिए बाबा। ठूस दो इन्हें एम्बुलेंस में, देखते हैं कौन रास्ता रोकता है अपना। आजा। Thank you.
लड़ाई हमारी नहीं है, यहाँ से निकल लेते हैं। गुरु शंकर, इस पल से मैं ही शंकर हूँ। इस केस के खत्म होने तक उस शंकर को उसी जगह रहने दो, यही सही रास्ता है, मेरा वाला रास्ता। अब चाहे तूफान आए या कॉर्पोरेट सिस्टम के दलाल आए, मैं एक एक के टुकड़े टुकड़े करके अपने गांव के खेतों में डाल दूंगा। वाई चाह। चल बोल। चार लोगों को बीट कर तू हीरो बन गया है, बहुत घमंड है तुझमें। ए, घमंड नहीं, अपन का गुरूर है और हीरो तो अपन दिल से हैं। ए, कॉर्पोरेट की दारू तेरी बॉडी में होगी, लेकिन गांव के कॉर्पोरेशन का पानी अपन की बॉडी में है, पंगा मत लेना। तू बदल कैसे गया? आफ्टर अ गैप बॉस इज बैक। तुझे छोड़ूंगा नहीं। वेटिंग। दिस मूवी इज एनकोडेड बाय डॉक्टर स्टार। हाल चाल ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे भाइयों, डब्बू भाई आ गए। डब्बू भाई ठीक है। आप चुप रहो, चुप करो। पप्पू किधर है राजा? कचरा समझकर म्यूनिसिपलिटी वाले उठा ले गए क्या? दरवाजा बंद करो। किसी ने भाई को ब्रेक कर दिया, इसलिए कमरे में बंद होकर वो ब्रेक डांस कर रहे हैं। तुम लोग सब कहां मर गए थे जब वो मेरे भाई को तोड़ रहा था? हम सब चौराहे पर आइसक्रीम चूस रहे थे, तब वो भाई को तोड़ कर चला गया। कौन है वो? हेलो, डब्बू जी, कचरा वाला बोल रहा हूँ। डब्बा बंद है जी। मैं कोई डब्बे का कचरा नहीं हूँ, कचरा उठाना मेरा काम था। कैसा कचरा चाहिए? क्या तूने मेरे भाई को पीटा? हेलो, ये तो फोन से भी बदबू आ रही है। हेलो, कॉमेडी मत कर राजा, पंगा लिया है तूने। तेरी गर्लफ्रेंड तो सुंदर है, पर वो मेरे घर के अंदर है। सर प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बताइए ना सर, क्या करना होगा मुझे? फौरन तू यहाँ। हाँ अभी पहुँचता हूँ, पलक झपकते ही। भाई देखो वो आ गया। शंकर। अरे आजा। मेरी पटाखा, मेरी फुलझड़ी, इन्होंने तुझे परेशान किया ना, मैं अभी इनकी घंटी बजाता हूँ, तू बस देखती जा। राजा बकवास मत कर, तू मेरे घर में मेरी ही घंटी बजाएगा? सर लेकिन फीलिंग वैसी आती नहीं, है। कहानी नहीं, मेरे भाई को तू जानता नहीं। जानता हूँ ना सर, अच्छी तरह से। चल अब मामला खत्म कर, पैर छू और निकल यहाँ से। जैसा आप कहें सर। Oh, no. पैर छू लिया सर, अब जाता हूँ, चलना भी। हे राजा। क्या मामू? पैर पकड़ने के लिए कहा था, योगा करने के लिए नहीं कहा था। मेरे भाई के पैर पकड़ और माफी मांग। वो देख, तुझे तकलीफ ना हो इसलिए उसने पैर फैला रखे हैं। मामू। क्या? अपन के बदले तू कर ले, अपन निकलता है, चल भाई। राजा। कौन है बे? तू क्या मुझे उल्लू समझता है? भाई इससे पंगा मत लो। क्यों रे? ये शंकर नहीं है, गुरु भाई है। गुरु भाई? हाँ। आगे बता। 10 साल पहले जब मैं जेल में था तब देखा था, बहुत डेंजर है। क्या राजा, तेरा नाम शंकर नहीं है? ये तो कह रहा है कि तू गुरु भाई है, ये क्या खेल खेल रहा है तू? किसने कहा ये गुरु भाई है? वो होगा कोई उल्लू का पट्टा। अरे शंकर को शंकर नहीं मानते हो? अरे कौन है ये गुरु भाई, चोर या उचक्का? डाबर। मत टोको सर, बहुत हुआ, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको गुरु भाई के साथ कंपेयर कर रहा है? अबे वो करेक्ट बोल रहा है, आप उन्हें राजगुरु। ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी। अबे मिल गई ना, अभी संभालता हूँ। गुरु भाई हिमालय से ऊंचे हैं तो शंकर भाई आसमान से ऊंचे हैं। अब ठीक है ना? नहीं, बात समझ में नहीं आई। मैं तो वो कुत्ता हूँ जो ना घर का हूँ ना घाट का। ए, तुम लोगों की क्या प्राइवेट मीटिंग चालू है? इससे कहो कि मेरे पैर पकड़े, नहीं तो मैं अंदर चले जाऊंगा। अबे रुकना, मैं करवा रहा हूँ ना। राजा पकड़ ले। ये क्यों पकड़ेगा, इसे गुरु ने पीटा है या शंकर ने, ये कौन क्लियर करेगा? कोई नहीं, क्लैरिटी के चैरिटी में मिलती है। अभी ले राजा, अभी क्लियर हो जाएगा। अरे राजा जरा इधर तो आ जा। ओके। हाँ बोल। मेरे भाई को तूने मारा कैसे? फिर से बताऊं? राजा तू कंफ्यूज है, मारना मुझे नहीं था, मेरे भाई को था। पप्पू इधर आ। अरे जल्दी आ, क्या हाथी की तरह आराम से चल रहा है। मार इसे। ए, तेरे बाप का गाल है जो थप्पड़ मारा। क्या हुआ राजा? पहले किसी और हाथ से मारा, अभी किसी और हाथ से, मजाक समझा है क्या? मेरे को तो जानता नहीं है, बहुत ताकत है मेरे में। अरे ये कैसा कंफ्यूजन है, पहले क्लियर तो करो, कौन सा हाथ था? ये वाला हाथ। गाल कौन सा था? ये वाला गाल। लगा दे राजा।
भैया यही था, उतनी सी ने बजाया था गाल पे। अब बात साफ हो गई, अब पैर छुओ। अभी तो छुआ था मामू। अपने पैर छुए थे, मेरे भाई के पैर छुओ। ए, उसे जाने दो, इसने पैर तो पकड़ लिया ना। जब ये मारता है तो दोनों गुर्दे बाहर आ जाते हैं, कोई डॉक्टर भी फिक्स नहीं कर सकता। तूने इसका नमक खाया है क्या? चले नरसी, जमा दो चार। ये कैसे किया इसने, समझा नहीं? ये समझ में नहीं आएगा। बस ये डरा मत मुझे, अब देख मैं क्या करता हूँ। ले मैं आ गया, क्या करेगा तू? मम्मी, थप्पड़ मारने पर दांत निकलते हैं, मेरी आंखें कैसे निकल आई? अरे टकलू, ठिकाने लगा इसे। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? अचानक तुम लोगों का फोन कहाँ से आ गया? भाई सब लोग पत्री गली से निकल गए। हम दोनों को अकेले छोड़कर तुम सब जा रहे हो? राजा ये सब तो चले गए, अब तू भी निकल, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। मेरी बहन कब से इंतजार कर रही है। नहीं जाता, अब तो पकड़ा पकड़ी हो ही जाए। अरे कहा ना रहने दे राजा, अब तू जा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पहले पैर पकड़ो फिर जाऊंगा। मेरे घर में आकर मेरा ही कचरा कर रहा है, जा ना राजा। मेरे घर की औरतें आती होगी, उससे पहले तू यहाँ से चला जा। झिंगूर, वो अपने पैर छूने के लिए कह रहा है। ऐसा है क्या? अरे तो जल्दी से पैर छू और माफी मांग। अब तशरीफ ले जाइए सर। क्या पैर पड़ू? भलाई का तो जमाना ही नहीं, इंसानियत तो खत्म ही हो गई है। गुंडे से जूता पॉलिश करवा कर रहोगे? जूता पॉलिश करूंगा, गुरु भाई से डरूंगा, चाहे जमाना कहे दीवाना, मैं पैर छूकर पूजा करूंगा। अब तो आप जाएंगे ना सर? पैर पकड़ लिया, अब और क्या पकड़वाना चाहते हो? लव यू राजा। अबे ओ ढक्कन, मैं रूम में जा रहा हूँ। जाना, क्या पकड़ कर ले जाऊं? अच्छा बताओ, तुम शंकर हो या गुरु? किस नाम से पुकारूं? तुम्हें शंकर पसंद है या राजगुरु? गुरु। तो फिर अपन राजगुरु ही है, चल। सोना चमकता देखूं दोनों, घुल मिलके तू है ना। सूरज की किरने देखो, सुहानी सी रात देखो, दोनों मिलजुल के तू है ना। देखूं शीशा तो अक्स तू है क्या, वो अक्स तू है तो तू ही मैं हूँ। मेरे सपने में शख्स तू है क्या, सपने सच है तो तू ही मैं हूँ। मिम अब से only you and me।
लड़की देखी शहर की लड़की देखी दोनों मिलते तो तू है ना चाचा जी शंकर बोल रहे हैं। हाँ शंकर बाबू, सुबह आपने जाने से पहले जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से सारी सब्जियाँ आ गई हैं। लेकिन बस दूध और चाहिए। अरे चाचा जी मेरी बात तो सुनिए आप। ताला तोड़ी करो। गुरु? गुरु नहीं, हमारा नाम शंकर है। आप उन जानता है तो गुरु नहीं है। आप कैसे जानते हैं? आप उन पुलिस वालों की बात सुनी थी, तो जानता है क्या गुरु किधर है? तो आप उनको बता, वो मुझे चाहिए, आप उसको खत्म कर देगा। नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो तुम उसे मार दोगे, फिर हम कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे कि हम ही शंकर हैं। तो फिर एक काम कर, अपन तुझको यहां से बाहर निकालेगा, आप उनके आदमी तेरे साथ जाएंगे, गुरु को उनके हवाले करके तू वहां से भटक लेना। आप उनको सिर्फ गुरु चाहिए, समझा कि नहीं? हाँ हाँ टिकट ले आऊंगा, तुम बस तैयार रहना, मैं पुलिस की गाड़ी ले आऊंगा, समझी? क्यों बीवी से बात हो गई? तनख्वाह तो पूरी की पूरी उठाते हो लेकिन उन पैसों को फोन पर उड़ा देते हो, यहाँ वहाँ टहलते रहते हो, अब खड़ा क्या है, चल मेरे साथ। हम लोग नीरू गांव से आए। तो मैं क्या करूँ बे? आप रिपोर्ट लिख देंगे तो हमारी जिंदगी सवर जाएगी। रिपोर्ट लिखना कोई कबड्डी का खेल नहीं है कि पेन उठाया कागज निकाला और करके लिख दिया। चलो निकलो। भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे क्यों ना हूँ, तो क्या मैं तुम्हें घर में ले जाकर तुम्हारी आरती उतारू, खातिरदारी करूँ, गंवार कहीं के? चलो निकलो। चाचा जी मैं बात करता हूँ, आप लोग जाइए। अब तू क्या बात करेगा? बात कर, बोल। आप जरा बोल। सर 30 करोड़ की घूस लेकर सिर्फ 6 लोगों की हत्या के बारे में लिखना, ये किसी तरह का इंसाफ नहीं है सर। ये किसानों के भविष्य का सवाल है और यही सच्चाई है सर। कौन सा करोड़, कौन सी घूस, कौन सी सच्चाई? लॉकर नंबर 708, HYFC बैंक में $10 करोड़, OSB बैंक में 10 करोड़ यूरो और 10 करोड़ के डायमंड्स, टोटल हो गए 30 करोड़। ये रही लॉकर की चाबी। अरे ये तुझे कहाँ मिल गई? तुम्हारी बीवी के कमर पर लटकी थी। हा? सुनते हो? क्या हुआ? लॉकर की चाबी नहीं मिल रही है, रात को कमर में लगाकर सोई थी। तेरी कमर से चाबी निकल गई और तुझे पता नहीं चला? मुझे लगा कि आप छू रहे हो। अरे आप कोई मेरी छूने की उम्र है क्या? जा अंदर जा। जब चाबी निकाली जा सकती है तो जान निकालना कौन सा मुश्किल है? क्या रे धमकी दे रहा है क्या? धमकी दूं क्या? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं 17 साल के लड़के से तुझे मरवा दूंगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बस 3 साल की जेल होगी, समझा? अगर ये नहीं तो किसी लड़के से भारी ट्रक चलवा कर उसके नीचे तुझे बुरी तरह को चलवा दूंगा। सेक्शन 304 के तहत उसे बस थोड़ा फाइन ही भरना पड़ेगा। घूस खा कर तू मोटा हो गया है और जुर्म कर करके मैं थक गया हूं, अब तू ही सोच ले, पैसा या जिंदगी। फिर मुलाकात होगी। हाँ बीना सर, जब वो धमकाने आया था तो उसका मजाक बनाना चाहिए था ना, मुझे तो हंसी आ रही है। ये कोई हंसने की बात नहीं है, पसीने छूटने की बात है, क्योंकि वो धाराएं गिना रहा था, धाराएं। हाला कैसे हैं कृष्णमूर्ति जी, अग्रवाल से चुगली करने पहुंच गए क्या? अबे तू उसे जानता नहीं है, उसके साथ खिलवाड़ मत कर। अरे बापरे मैं तो डर गया। देखो अग्रवाल से कहो कि एक आदमी उसका बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोई तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, जाओ। गो एंड चेक। हेलो सर, मैं टोनी एंड गाय से आया हूँ। अभी तो कोई ट्रिम करके गया है? नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। तो फिर वो कौन था? मुझे नहीं पता सर। अभी ये सब क्या लगा रखा है, क्या चाहिए तुझे? स्पीकर ऑन कर बे। अब हाँ ठीक है बोलो। ए अग्रवाल जरा अपनी मुंडी पीछे घुमा कर देख,
में रहो। ए कॉर्पोरेट, अगर मैं तेरी गर्दन पर अंगूठा लगा सकता हूँ तो उसे काट के फेंक देना भी मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। छोड़ूंगा नहीं। पकड़ा कब था जो छोड़ेगा? उस्तुरा कहाँ रखना है ये सिर्फ तू ही नहीं मैं भी जानता हूँ। कृष्णमूर्ति जी चाबियाँ। आ दे रहा हूँ। गुड बॉय। ये लो, ये रखो भाई। कृष्णमूर्ति जी डरिए मत, मैं हूँ ना। अरे आपको पता नहीं है किस दुनिया में है आप? वो आपको भी किसी धारा के तहत मार डालेगा, संभल कर रही हो। मणि, शहर के सारे गुंडे उसके घर पर भेजो और उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे पास लाओ। ग्रीन टी आपके बदन को बहुत फायदा कर रही है, दिन ब दिन रौनक बढ़ती जा रही है। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरी पकड़ ढीली क्यों पड़ती जा रही है? मेरे कंधे के अंदर की हड्डी चटक गई है इसलिए पकड़ ढीली पड़ गई है। डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया? उसे भी दिखाया, एक्सरे देखकर उसने हैरानी से पूछा मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा पैर दबाता हूँ। उसने पूछा पैर दबाते हो या पत्थर? क्या कहा उसने? मेरे पैर को पत्थर कहा? कौन है वो गधा? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए सर, पत्थर यानी स्ट्रॉन्ग पैर, मजबूत। हाँ, और क्या बका? और कहा कि आगे 10 दिन तक इस पत्थर की मतलब पत्थर जैसे पैर की मालिश मत करो, पर कोई चारा तो है नहीं, है ना सर? यार तेरी ये मक्खनबाजी बहुत अच्छी लगती है। महान है आप, महीने भर से सो नहीं पाया हूँ। इसी तरह तू पैर दबाता रहा तो हमेशा के लिए सो जाएगा। आपकी मेहरबानी। मुन्ना अबे मेरा फोन कहाँ गया? क्या कह रहे हो गुरु? ढूंढता क्यों नहीं? ढूंढ गया, कहा था ना चोर बाजार बिल्कुल भी मत जाना, वो फोन के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दूसरों को बेच देते हैं। अरे बाप रे, अगर ये फोन गायब हो गया ना तो ये डबर फ्री हो जाएगा। सिर्फ फ्री ही नहीं हो जाएगा, ऑलरेडी खड़ा भी हो चुका हूँ। गधे, रोज रोज ग्रीन टी पी के तू मुझसे पैर दबवा के और कॉमेडी करवा के मजा लेता था ना? अरे तूने इतना टॉर्चर किया है कि मेरी बॉडी की हड्डी पसली टूट गई है। ऐसा नहीं है डबर भैया। तुम्हें क्या लगता है कि पैर दबाने से मेरे कंधे टूट गए और हाथ दबाने से मेरी हाथ की उंगलियां ढीली पड़ गई? वही पावर, वही पुरानी ताकत अब भी मेरे पास है। अरे मैं अभी जाकर पुलिस को बुलाता हूँ, वो आकर तुम्हारी जम के धुलाई करेगी। फोन मिल गया मुन्ना। मिल गया क्या? हाँ। पीछे वाली जेब में था, भूल गया था। मालूम है यार, फोन खो जाता है तो क्या हालत हो जाती है, और तू इसे दया दिखाकर छोड़ने वाला था, असली चेहरा देख लिया इसका? डबर बेटा जी। क्या कहा था? गधा। नहीं सर। हाँ? मैंने कुछ और कहा था, आपने ठीक से सुना नहीं सर। गर्दा कहा था, आपने गधा सोच लिया। पगले, फोन खोया है नहीं ये कंफर्म करना चाहिए था। जानते हैं अंदर के कुकर में बहुत दिन से बात उबल उबल कर कुकर अचानक फट गया, ये दिल के अंदर के फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है सर, दोस्ती में ये सब नहीं सोचना चाहिए। बैठिए ना। चल शुरू हो जा। अपने पैर यहाँ रखिए। आप ग्रीन टी पीजिए। मुन्ना अगर गाड़ी की आवाज आ रही, जरा देखना। तो बहुत सारे लोग हैं। डाबर, हाँ। बुड्ढों को एक कमरे में ले जाकर बाहर से बंद कर दो। ठीक है सर। ये क्या कर रहे हो? बताता हूँ, जैसे ही मैं पहला सिक्का उछालूं, मेन स्विच ऑफ कर देना। ओके। दूसरा सिक्का उछालने पर लाइट्स ऑन करना और 1 सेकंड बाद ऑफ कर देना। ओके। मेरे सिक्के उछालने के साथ लाइट्स ऑन चाहिए, ऑफ चाहिए। ठीक है। और लास्ट में सारे सिक्के एक साथ फेंक दूंगा, सारी लाइट्स ऑन करके छोड़ देना। समझ गया। बाप रे, इतने सारे आए हैं, इनमें से कोई ना कोई इसका काम तमाम कर ही देगा। ऊपर वाले, तेरे घर में देर है। देर नहीं है। अरे लाइट कैसे चली गई? हमें अंधेरे में अलर्ट रहना होगा। जाओ, सब अलग अलग हो जाओ।
वहाँ कोई है, देखो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइट आएगी मैं घर चला जाऊंगा। बिल्कुल सही फैसला है तेरा। देखना अभी लाइट जलेगी। अच्छा, मैंने कहा था ना लाइट जलेगी। अच्छा है लाइट आ रही है, मैं बाहर निकल जाता हूँ। शहर के सारे सड़े हुए गुंडे भेजे हैं, किसी का रूप लेकर तुम ही मार आओ ना ऊपर वाले। बाकी लोग कहाँ गए? ऊपर वाले तुम नहीं हो। नहीं हो? अरे बाबा, उठ जाए क्या? अगर उठा तो वो और मारेगा। गेट पे वो ताला लगा है। अपन तुम लोगों को सिर्फ 20 मिनट का टाइम देता है, ये बॉडीज लॉरी में होनी चाहिए और लॉरी मेरे एरिया के बाहर। ठीक है भाई। चल। पंकज भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। हम लोग कोर्ट में जीतेंगे, इसीलिए ये सब हुआ। अरे ऑटो ऑटो ऑटो, शंकर बाबू थक गए हैं, अब वो ग्रीन टी पियेंगे। चलो जाओ सब लोग। यार डाबर, भगवान है यार, और वो अच्छे लोगों का साथ देता है। इतने टेंशन में भी आपका फोकस मुझसे हटा नहीं भाई। इनका फोकस बदलने वाला कोई तो भेज दे भगवान। ए, उठो उठो, चलो उठो। ओए, वो सेफ है? वो सेफ है भाई। तुम लोग हर घंटे गाड़ी बदलो, फोन नंबर और सिम बदलते रहो, हैदराबाद पहुंचने तक होशियार रहना। अगर वो कुत्ता गुरु मिल जाए तो मुझे फोन करना। ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा। इस केस से संबंधित सारी जमीनें नीरू गांव के किसानों की है, ये वन मैन कमीशन कृष्णमूर्ति कमेटी ने कंफर्म किया है। लेकिन यहां के आसपास के गांव के 2300 ग्रेजुएट्स ने यहां फैक्ट्री बनाने की हिमायत की है। उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड के साथ अपना प्रपोजल रिप्रेजेंट किया है। मिलोर्ड, अब ये रिप्रेजेंटेशन कहां से आ गया? उनका नीरू गांव से क्या संबंध है? वो ग्रेजुएट्स हैं, उनका भी फ्यूचर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये रिप्रेजेंटेशन फेक भी हो सकता है? अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन फेक लगता है तो प्रूव कीजिए। उसके लिए 5 वर्किंग डेज है, अब ये केस एक्सटेंड नहीं होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। शंकर, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, इनमें से कोई भी भारत में नहीं है। ये लो, 50 लोगों के नंबर निकाल पाया हूं। हेलो, कौन? मैं हूं शंकर। नीरू वाले शंकर? हाँ भैया, मैं पास वाले गांव का नारायण बोल रहा हूँ, बोलिए।
नारायण, तुमने कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री के सपोर्ट में साइन किया है ना? नहीं भैया। तो फिर तुम्हारा आधार कार्ड और तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कैसे लगे हुए हैं? ऐसा है, मेरा एक कॉर्पोरेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है भाई, उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पर मुझसे साइन करवाया और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही रख लिए हैं। इस बारे में तुम क्या हैदराबाद के कोर्ट में आकर गवाही दे सकोगे? मेरा पासपोर्ट उनके पास है भाई, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक वो नहीं देंगे। मतलब तुम नहीं आ सकते? नहीं आ पाऊंगा। शंकर, तुझे तुम्हें भी फोन कर ले, तुझे यही जवाब मिलेगा। ये मेरा कॉर्पोरेट नेटवर्क है, पूरी दुनिया में घूमता है। तेरा नीरो गांव मेरे जाल में छोटे कीड़े की तरह फंस गया है, बचा नहीं पाएगा। अबे कॉर्पोरेट, तेरे इस जाल में ना मेरे गांव का एक आदमी भी नहीं फंसेगा, और जिस गांव को तू कीड़ा बोल के जा रहा है, इतना ध्यान रखना, अगर वही कीड़े तेरी विलायती पैंट में घुस गए और तुझे काट लिया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। तू जितना सोचता है उतना आसान नहीं है, तेरे पंख काट दिए हैं मैंने। समंदर अगर शांत हो तो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, अगर उसमें उफान आ गया तो उस समुद्र की सुनामी इंसान को खत्म कर देती है। चीथड़े भी नहीं मिलेंगे तेरे कॉर्पोरेट के। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, तू नहीं समझेगा। अबे गले की पॉलिटिक्स से लेकर दिल्ली की पॉलिटिक्स तक हर जगह की पॉलिटिक्स जानता हूँ मैं, उसके आगे तेरी ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स 2 कौड़ी की है, उसे तो मैं अपनी इस छोटी उंगली पे नचाता हूँ। चाल पत्नी गले से कट ले। तुझे डर नहीं लगता क्या? डर को तो मैं डराता रहता हूँ, ऐसा दिया हूँ जो जितना जलेगा उतना रोशन होगा, और तब तक जलता रहूंगा जब तक की राख नहीं हो जाता। इसलिए मेरे सामने कभी मत पड़ना, वरना मेरे इस ताप से तू पूरा का पूरा झुलस जाएगा। याद रखना मेरी बातें, भूल मत जाना। चाल कल्टी। अरे कोई स्कूल है जो वहाँ लोग टाइम से जाएं? चल मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फोन काट। एक्सक्यूज मी, मंत्री जी से मिलना था। साहब अंदर है। ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे। इस बार मेरी क्या टाइमिंग है? 50 सेकंड। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम नीरू गांव से आए हम लोग। समझ गया, बहुत सारे लोग तुम लोगों के अगेंस्ट है ना? वो सब धोखेबाजी है सर, आप उन लोगों को विदेश से यहाँ बुला लीजिए सर। सोच कर बताता हूँ। गहराई में जाकर सोचा, कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग जाओ। पर सुनिए तो। अरे ज्यादा परेशान करोगे तो और गहराई से सोचूंगा। डूब मत जाइएगा, जा रहे हैं। सवाल लड़ाता है। ए, निकालो इनको बाहर। कोई जरूरत नहीं, इलेक्शन में पब्लिक खुद ही हटा देगी तुझे कुर्सी से। चलिए। क्या सर, आप हमसे वही घिसी पिटी 3 साल पुरानी न्यूज चलाने को कह रहे हैं? कोई हॉट न्यूज बताइए। उनका मार्केट अब भी है, और 3 लोगों को तैयार कर लीजिए, उनके आत्महत्या सनसनी पैदा कर। चाहे कॉलर पकड़ो या पैर पकड़ो, मीडिया को चाहिए सनसनी। पानी 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 आँखों का ये पानी। सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। साहब इस पे दस्तखत कर लीजिए, मेहरबानी होगी। दिल का है मेरे गांव से कुछ लेना देना नहीं। चल रहे हैं। क्या है और कोई काम नहीं है क्या? प्लीज बाबू। शंकर बाबू, वो मीडिया वाले टीवी वाले हम लोगों की मौत दिखाना चाहते हैं। 6 लोगों की मौत के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, 4 और मर जाएंगे तो गांव तो सुरक्षित रहेगा। हमारा क्या है, हम 3-4 साल और जी लेंगे, पहले मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा। बेहतर कल तब आएगा जब ये काली रात जाएगी, हमें मरने तो बेटा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए बाबा, आपके मरने से कुछ नहीं होने वाला। जब पूरा गांव मुसीबत में होता है तो एक भी मदद करने आगे नहीं आता। क्यों? जबकि शहर में सारी खाने पीने वाली चीजें, वहाँ इस्तेमाल होने वाला अनाज और दालें, तेल साग और सब्जियां, सब कुछ हमारे गांवों से ही जाता है, फिर भी ये शहर के लोग हमारे गांवों की कोई कदर नहीं करते। क्यों? जिनके नलों में 24 घंटे पानी आता हो उन्हें हमारे आंसू क्यों दिखाई देंगे? दिखाई देंगे, हम उन्हें अपने आंसू देखने पर मजबूर करेंगे। कल से इस शहर में अगले 5 दिनों तक किसी को पानी नहीं मिलेगा। देखता हूँ लोकल चैनल से लेकर नेशनल चैनल्स के लोग कैसे नहीं आते। जिस दिन देश का किसान जाग उठेगा, उन शहरी लोगों को छठी का दूध याद आ जाएगा। कैसे होगा बेटा? बताता हूँ। लक्ष्मी हा? इस शहर का ब्लूप्रिंट लाओ।
पानी रोक सकते हैं। पाइपलाइन में पानी रोकना आसान नहीं है, क्या हम ये कर पाएंगे? इस दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, एक जो संदेह करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो समस्या का समाधान बिना शक के खोज निकाला करते हैं। हमारी मदद कौन करेगा? हम लोग हैं ना बाबा। हमें लोग इसलिए छोड़ गए कि हम बोझ थे, हम बुढ़े हैं, हम क्या कर सकते हैं? आजादी की लड़ाई याद है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश की आजादी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में कितने बुजुर्ग लड़े थे। शराब को बंद कराने के लिए हमारे आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े नेता श्री वाविलाला गोपाल कृष्णा ने लड़ी, वो 70 साल के थे। इस देश के अनाथ बच्चों और बेसहारों को सहारा देने के लिए विदेश से मदर टेरेसा आई थी, वो 87 की थी। हमें बस इतना ही करना है कि हम कब पैदा हुए थे, कब मर जाने वाले हैं, इन सब फालतू बातों को भुला देना है। इस देश के सीनियर सिटीजंस हमारे ऊपर बोझ नहीं बल्कि इस देश का गर्व है। बिल्कुल मत घबराइए। चलिए बताइए मेरे साथ कौन कौन खड़ा है? अपने सारे दोस्तों को, अपने साथियों को और उन सब ऐसे लोगों को जो भी हमारे साथ आ सकें, उन सबको फोन कीजिए। खुशी हुई। यह आंदोलन नहीं है, हमें नकार देने वाले समाज को सुधारने वाला एक इंजेक्शन। अभी शायद दर्द होगा लेकिन बाद में बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत देर हो गई यार, जल्दी पानी छोड़ना होगा। हे, हे, उधर देख, कौन है ये लोग? पता नहीं। ए, 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 कौन है तुम लोग? क्या कर रहे हो? हेलो, अरे अरे भाई साहब, हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे पाइप के अंदर कहाँ जा रहे हो? हेलो, तुम लोग लाइनमैन हो? जी सर, सुबह 5 बजे पानी छोड़ना था पर अभी तक छोड़ नहीं पाए। ए, जाके चेक कर। यस सर। ओए, अंदर कोई है? चुप क्यों हो? जवाब दो। ओए, अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं? आजा, ये देख हमारे पास पेट्रोल है और चलाने के लिए 25। हम लोग बस 25 हैं। तुम आओगे तो 26 हो जाएंगे। आजा, साथ बनेंगे। क्या हुआ सर? अंदर बहुत सारे लोग हैं, सब बुड्ढे हैं सर, पेट्रोल लेके बैठे हैं और कह रहे हैं आत्महत्या करेंगे सर। सर सर सर, लगता है सारे शहर का पानी बंद हो गया है। यहाँ ही नहीं, हिम्मत सागर, निजाम सागर, हर पाइपलाइन में किसान लोग बैठे हैं। शहर में पानी नहीं पहुंचा है, इसकी वजह किसी को नहीं मालूम। गुड मॉर्निंग सर, उनमें से कोई बाहर निकला? नो सर, ये पाइपलाइन 50 किलोमीटर लंबी है, अगर तोड़ने की कोशिश भी करे तो पाइप फिर से ठीक होने तक शहर को पानी नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा सर। ये कर कौन रहा है? नीरू वाला शंकर है, लगता है ये भीड़ उसी गांव की है। कितना बुरा वक्त आ गया है, किसान भी अपराधी बन गए। रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया मिल रहा है गुरु। सारे न्यूज चैनल यही है, बड़े बड़े न्यूज चैनल है, पहले हमारी न्यूज देने के लिए हमारी बात का मजाक उड़ाया करते थे, आज वो सारे बाहर इंतजार कर रहे हैं। इंग्लिश चैनल भी है गुरु, हमारी बात अब नेशनल इशू है। देखो, हम लोगों को सिर्फ पब्लिसिटी नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और हंगामा आम जनता करेगी, मीडिया नहीं। ये खेल कल से शुरू हो जाएगा, देखते जाओ। अचानक ये क्या हो गया? पानी बंद क्यों हुआ? चिल्ला क्यों रही है तू? सर, ये आप है? मुझे लगा भूत आ गया। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, ऊपर जाके देखना। टीवी पे देखो क्या? अरे बेवकूफ, पानी टंकी से आता है, टीवी से कब आने लगा? आजकल टीवी पे पानी की खबरें।
अरे अब तो बाथरूम जाने से भी डर लग रहा है राजा। पापा। हाँ बेटा। पेपर से रगड़ रगड़ के मेरा जलने लगा है। तेरा तो जल रहा है बेटा, मेरा और चाचा का तो खून निकल रहा है। हा? सुनती हो? हा? अगली बार जब इसे टॉयलेट जाना हो तो थोड़ा नारियल का तेल पिला देना, स्मूथ हो जाएगी पाइपलाइन। निकल बेटा जा, और सुन अच्छे से नारियल तेल पीना। भैया उसको बोलो थोड़ी बर्फ हमारे लिए बचा के रखे। सुनती हो? कल नारियल तेल का एक बड़ा डब्बा ही ले आना, घर में सबको तेल लगेगा। को प्यासा है, प्लास्टिक के घड़ों की डिमांड हैदराबाद में बढ़ गई है, पब्लिक अपार्टमेंट्स पर हमला कर रही है और ओवरहेड टैंक से पानी भरकर ले जा रही है। Hey, what are you doing? You idiots! You uneducated guys! Hey, we may be poor, but we are educated. Mind your tongue. शहर में तीसरे दिन भी पानी की समस्या चल रही है, पानी की लूट हो रही है। 20 रुपए की पानी की बोतल 200 रुपए में बिक रही है। आइए इस पर शहर के लोगों की राय जानते हैं। गांव वालों की प्रॉब्लम से हम शहर वालों का क्या लेना देना, वो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? जब कुछ गलत होता है तो उसके लिए कानून है, जो अपना गाँव छोड़कर पाइपलाइन में बैठे हुए हैं। ये तो हुई शहर के लोगों की बात, अब देखते हैं कि गाँव के लोग क्या कहते हैं। हमें यहाँ 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, आप ला रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? खेती के लिए पानी नहीं है, गाँव छोड़कर शहर आया, सोचा यहाँ पानी मिलेगा, पर यहाँ भी पानी नहीं है। हेलो लक्ष्मी, तुम्हारा आइडिया बहुत ही बढ़िया रहा, मीडिया का ध्यान अब हमारी तरफ है, तुम्हारे बिना बोले ही इतना कुछ हो गया, तो जरा सोचो कि जब तुम बोलोगे तब क्या होगा। थैंक यू, मुझ पर विश्वास करने के लिए और मेरा साथ दिल से देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ शंकर। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू। Not a my song. This is the boss song. Boss song. अर ये शर्ट तेरे लिए बनी है, सर करके तेरे लिए आया हूँ, हर लूंगी तो स्टाइल से डाली है, स्वैग ग्लास तेरे लिए ही बना है, स्वीट टू लेट्स डू हुत तू। तो यू सिंगम बन जा, स्वीट टू लेट्स डू हुत तो। Let's do hut to. Let's do hut to. Saree netting, salwar setting, sab mast hai, laage fine hai. Lari netting, lenman ka patna, tere hoge to nothing janu. Hey, step pe step, loo tere hi nali.
भूत तो यो गाइस दिस इज नॉट अ ब्लास्ट सॉन्ग दिस इज द बॉस सॉन्ग स्वीट टू लेट्स डू भूत तो इस पानी जाम के लिए नीरू गांव के किसान जिम्मेदार हैं। वो लोग एक ओल्ड एज होम में रहते हैं। इस आपराधिक कार्य के पीछे शंकर नाम के आदमी का हाथ है जिसने शहर के लोगों को परेशान कर रखा है। शहर के लोगों का मानना है कि वो किसी आतंकवादी से कम खतरनाक नहीं है। शहर के लोग पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि चलो जल्दी चलो हमें जल्दी निकलना है। हां गुरु प्रेस से कह दो कि मैं कल मिलूंगा। उसके बाद सबके दिल और दिमाग में किसानों की तकलीफें और उनका दर्द ही रहेगा और फिर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखेगा कि उसकी झूठी गवाहियों के खिलाफ कोर्ट में खुद ये जनता आवाज उठाएगी। ठीक है गुरु दिस इज द फर्स्ट टाइम के हिंदुस्तान के सारे कॉर्पोरेट एक जगह इकट्ठा हुए हैं। चाहे हम लोग बिजनेस राइवल्स हैं लेकिन एक कॉमन दुश्मन के लिए हमें एक हो जाना चाहिए। कॉर्पोरेट के खिलाफ जो भी खड़ा होता है अगर उसे सीरियसली नहीं लिया गया तो एक दिन हर गांव विरोध में खड़ा होगा। मेरी एक शैम्पू फैक्ट्री है। एक बोतल एग शैम्पू बनाने के लिए 45 एग्स लगते हैं। अगर भिखारी भी अंडे खाना चाहेंगे तो हम शैम्पू कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक शैम्पू? या ही इज करेक्ट। इस केस में अगर MNC पीछे हट जाती है तो उसका असर हम पर पड़ेगा। अब मेरी कंपनी पर कुल 33 केसेस लगे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को मेरी कंपनी भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसलिए उसकी प्रेस मीट को रोकना होगा। बाहर से मैंने कुछ गुंडे बुलाए हैं। शंकर प्रेस मीट के लिए बाहर आएगा, वो गुंडे उसे वहीं दे विल फिनिश हिम ऑफ। थैंक यू ऑल। ये केस तो मैं ही जीतूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ए यहां क्यों लेके आया है? पहले वहां चलेंगे जहां गुरु है। एक बार जरा इंस्पेक्टर साहब से मिल लूं। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो। थैंक यू सर। कलकत्ता जेल से भागा हुआ मुजरिम गुरु ये सब कर रहा है? हाँ सर। चलो SP साहब से मिलते हैं। क्या तुमने ठीक से देखा? हाँ सर, मैंने उसे खुद देखा, वो शंकर ही है। हमारे इंस्पेक्टर साहब अभी उसे SP साहब के यहाँ लेके गए हैं। पाइपलाइन में था वो तो, वहाँ से कब निकला? और आखिर वो शंकर इंस्पेक्टर के साथ क्यों जा रहा है? जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हेलो सर। बोलो क्या हुआ? अभी दोनों भी जिंदा है। इंस्पेक्टर को मार दो और शंकर को यहाँ ले आओ। ओके सर। नीरू गांव का शंकर आज चौथे दिन मीडिया के सामने शंकर वाला है। देख कितने लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। नॉट ओनली मीडिया, दी एंटायर इंडिया इज वेटिंग फॉर यू। जा गो बोला गो। तुझ पर भरोसा रखने वाले गाँव वालों की जिंदगियाँ तो मुझे बेचने को तैयार हो गया था। मेरा एडवांस में दिया हुआ पैसा मेरे ही मुंह पे मार के चला गया। 25 crores, 25 करोड़ रुपए कैसे छोड़ दिए? कैसे? तूने मेरे आदमियों को मारा था ना, अब मुझे मार 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 मुझे मार। मेरा जीता हुआ केस आज भी कोर्ट में है तेरी वजह से। उस कृष्ण मूर्ति को तूने धमकाया था ना, चल अब मुझे धमका धमका। ये लोग बोलेंगे? हाँ ये लोग। दिस इज चीटिंग। ये बेईमानी है। hey, ये लाइव टेलीकास्ट है ना? हाँ सर लाइव है। नमस्कार, यहाँ आने के लिए दिल से धन्यवाद। पूछिए। अब पूछने को बचा ही क्या है, तुम्हारे गांव की वजह से पूरा शहर परेशान हो रहा है। गंवार अनपढ़ कहीं के। हाँ क्या बोले आप? गांव अब ओ सॉरी जरा पास आइए। हाँ क्या है? कहाँ पैदा हुए थे आप? यहीं शहर में। आपके पिताजी? गांव में। और दादाजी? दादाजी भी गांव में। मतलब गांव में।
तो आपके मुताबिक आपके दादाजी एक गांव के गवार थे, यही मतलब है ना? आप जानते हैं ये शहर हमारे गांव का वो बेटा है जिसने अपनी मरती हुई माँ की खोज खबर नहीं ली है। अब बताइए आप, हम गांव के गवार हैं कि आप? गांव ही तुम्हारी जड़ है। गांव को गाली देने से पहले अपनी औकात पहचानो, जाओ। बिल्कुल सही कहा गुरु। जब से ये सभ्यता शुरू हुई है इंसान खेती करता आ रहा है। खेती बाड़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं जानता। 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेत की मिट्टी में बूंद बूंद मिलता है तब जाकर अन्न पैदा होता है। और ये भी बता दूं कि हमारे देश में खाना बर्बाद नहीं किया जाता। अगर वही देश किसानों को बर्बाद होता देखता रहे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? खाना खिलाने वाले से कहा जाता है अन्नदाता सुखी भवतु। ये अन्नदाता है कौन? खाना पकाने वाला या परोसने वाला नहीं है, अन्न उगाने वाला है। और ये खेती जैसा उपहार ईश्वर ने हमें दिया है। सेल फोन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जो टीवी और एसी बनाते हैं वो करोड़ों पति हैं, लेकिन अन्न उगाने वाला वो गरीब किसान इतनी कड़ी मेहनत और धूप में पसीना बहाने के बाद दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। तो क्या फैक्ट्रियां लगाना गलत है? फैक्ट्रीज लगाना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन खेतों को बर्बाद करके फैक्ट्रीज लगाना गलत है। इस देश में कितनी ही बंजर जमीनें हैं, कितनी ही पथरीले जमीनें हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, इसीलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। जरा सोच कर जवाब दीजिए कि किसान पानी लेने कहाँ जाएगा? पूछो बेटा, ऐसे ही पूछो। इस देश में पिछले 10 साल में 1,71,105 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उसमें से 25,000 से ज्यादा किसान तो इसी इलाके में रहते थे। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, ये जानते हैं क्या आप? लेकिन सच्चाई यही है, जहाँ मौत इतनी सस्ती है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा सर। तकरीबन 1,000,000 से ज्यादा किसान अपना पेट पालने के लिए गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने आ जाता है। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो बिल्डिंगों में चौकीदारी करता है। जो किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता कहलाता है, वही मंदिरों के सामने भीख मांगता फिर रहा है। नहीं चलेगी ये सरकार। लेकिन उन्हें कर्ज माफी तो मिली है ना? कब मिली है, कितनी मिली है? वादों पर मत जाइए, जमीन पर आ जाइए। एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला हजारों करोड़ का उधार लेकर विदेश भाग गया और वहाँ बैठकर विदेशी शराब पी रहा है। सिर्फ 5 या 10 हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है। ये सही नहीं है, ये नहीं सोचेंगे? मैं दिखाऊंगा सर, इन कॉर्पोरेट्स की काली करतूतों की वजह से हमारी हरियाली जली जा रही है। खेत सींचने वाली नदियाँ फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से जहरीली होती जा रही हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज की मशीनें हमारी खेती वाली जमीन पर कब्जा करके उन्हें खत्म करती जा रही हैं। पर ये दिखाई नहीं देता। पर उन्हीं फैक्ट्रियों में हमें नौकरियां भी तो मिलती हैं शंकर। किन फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप? सारे हेल्दी फूड्स में मिलावट करके ये उसे बर्बाद करते जा रहे हैं। अंडे को शैम्पू में, गाजर को क्रीम में, सोया को साबुन में। 2 रुपए का अंडा 10 रुपए में, 10 रुपए का गाजर 100 रुपए में खरीद रहा है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इस रेट पर क्या कोई गरीब खरीद पाएगा? फिर भी ये पैसा किसान या गरीब तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बिचौलिए ले जाते हैं। ये बिचौलिया धीरे धीरे और अमीर होता जाता है। अन्न पैदा करने वाला किसान गरीब से गरीब होता जाता है। पौष्टिक खाना न मिल पाने की वजह से गरीब बच्चे, गरीब बूढ़े बीमारी से मर रहे हैं सर। नौकरी कैसी भी हो हमारी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम उन फैक्ट्रियों के गुलाम बनकर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। याद रखिए, खेती भी एक उद्योग है और किसान उद्योगी है, उसे पहचानिए। हमारा छोटा सा गांव है सर, 500 परिवारों का, और हम 500 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले कॉर्पोरेट से मुकाबला कर रहे हैं। जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए। हमारी आवाज जब आपने नहीं सुनी तो 6 किसानों ने खुद के गले काटकर आत्महत्या कर ली। अगर हमारे गांव की समस्याओं को आप लोगों ने नजरअंदाज किया तो एक न एक दिन हर गांव हमारे गांव जैसा ही बन जाएगा। समझ जाइए आप लोग। विदेशों से गवाहों को कोर्ट में लाने के लिए अगर ये मीडिया कोशिश करे तो ये दुनिया हिला के रखते हैं। वो ताकत है आप में। पिछले 3 सालों के हम सब लोगों के दर्द को आपको बताने के लिए इन 3 दिनों तक आपको परेशान किया, उसके लिए माफी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये सही है तो हमें न्याय दिलाने के लिए हम सबकी मदद कीजिए, प्लीज। शंकर बाबू जर्नलिस्ट केवल कैमरे पर बोलने वाला रिपोर्टर नहीं, न्याय का सपोर्टर भी है। अब तक हम केवल TRP के लिए काम करते थे, लेकिन एक जर्नलिस्ट का असली काम क्या होता है ये अब हम दिखाएंगे। गवाह आएंगे, किसान जीतेंगे। मीडिया का सपोर्ट, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी है, गवाहों को इंडिया लाने के लिए सरकार से डिमांड की गई है। अगर मीडिया ने इसे सपोर्ट किया तो हम हार जाएंगे सर।
इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा मुझे सब पता है। इस लड़ाई में तो मैं ही जीतूंगा। जीत किसानों को ही मिलेगी। किसी भी समय गवाह इंडिया पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। हेलो गुरु, फोटो कैसी लगी? उसको हाथ मत लगाना। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैंने जो कहा है वो कर। हेलो, एक मिनट बेटा। किसका है? आपकी पोती का फोन है। हेलो, हाँ बेटी बोलो। आपने टीवी देखा? हाँ देखा। आप आतंकवादी? हाँ बेटी, तुम्हारा दादाजी आतंकवादी है। हेलो हेलो, कौन था? मेरी पोती कह रही थी हमें टीवी पे देखा, हमें आतंकवादी बता रहे हैं। हेलो ए मनु, ये राजगुरु कब से किसान बन गया बे? टीवी पर तो बड़ा फाड़ू स्पीच दिया, ये शंकर कौन है? फिर से नाम बदला क्या? कितने करोड़ का घोटाला है? ए मन्नू, तू और गुरु उनको ठग के बहुत कमा रहे हो है ना? ऐसा कोई काम है तो हमें भी बता ना। हेलो हेलो मन्नू, गुरु गुरु। ये गुरु कौन है? शंकर, शंकर गुरु। ये लो तुम्हारा फोन। गुरु भाई नहीं आया? वो आ जाएगा, आप खाओ और सो जाओ। क्या कहा? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? हम इंतजार कर रहे हैं, कहां रह गए थे? ये क्या है? ये हमारे केस के पेपर्स हैं। अगर आप 10 लोग इस पर अंगूठा लगा दें तो। क्या लिखा है इसमें? यही कि केस वापस ले रहे हैं और अपनी सारी जमीनें अग्रवाल को दे रहे हैं। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? ए चुप, विश्वास का मतलब तुम जानते हो? बात करता है, जमीन हमारी है, हक हमारा है। बता कितना बेचा तू, हमें कितना बेचा? वो जिंदा है? कुछ तो बोलो, क्या वो जिंदा है? मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। चाचा जी, क्या कर? चाचा किसको कहता है? रिश्तेदारी इंसानों से होती है, तुमसे नहीं। एक नंबर का धोखेबाज है तू। एक भी शब्द बोला ना, उमर नहीं देखूंगा, जबान खींच लूंगा। मुन्ना एक मिनट करो। क्यों चाचा, एक बात सच सच बताओ, अगर वो बेचना चाहता तो केस यहाँ तक आता क्या? आज सारा देश आपके साथ है। किसकी वजह से? इसकी वजह से ना। वो 25 करोड़ दे रहे थे, एडवांस के 15 करोड़ दे दिए थे, इसने उनके मुंह पर मार दिए। क्यों? अगर उस दिन अंगूठा लगाने को कहता तो लगाते ना? अंगूठा लगाते या नहीं बोलो? मेरा गुरु भी एक किसान का ही बेटा है। सूखा पड़ जाने से जब इसके पिता मर गए तो इसे गोद में लेकर इसकी माँ शहर चली आई। वो मजदूरी करते करते एक दिन इसे अकेला छोड़कर गुजर गई। इसने पहली बार जानते हैं क्या लूटा? अन्न। एक खाना चुराने वाला आप गरीबों का पेट भर सके ऐसा इंसान बन गया। क्या किया आपके शंकर ने? सिर्फ विरोध ही किया ना, कुछ हुआ? आपकी जीत के पीछे मेरा भाई है। आपको लगता है कि आप सब पर विश्वास कर लेते हैं, पर आपको खुद पर विश्वास नहीं, इसलिए आप लोगों की जिंदगी कुत्तों जैसी है। गलत गलत, मैंने आप लोगों से झूठ जरूर बोला लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूं। पैसे चुराने आया तो था पर यहां तो भगवान मिल गए। मेरे अंदर अच्छाई आने की वजह आप लोग हैं और पैसों के लालच के लिए आप लोगों को नहीं बेच सकता। यकीन करिए, आपका शंकर मुसीबत में है, उसी को बचाने के लिए मुझे आपके अंगूठों के निशान चाहिए और इसके बिना मैं वहां नहीं जा सकता। मैं सच कह रहा हूं, आप जीतेंगे, आप लोग जरूर जीतेंगे। मैं अंगूठा लगाऊंगा। हम अंगूठा लगाएंगे। ये लो, हमें हमारा शंकर ला दो बेटा, हमारी जमीन ला दो,
अगर इनमें से कोई एक भी रह गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मैं भले ही आऊं या ना आऊं, पर शंकर जरूर आएगा। आपकी जमीनें वापस मिलेंगी। सर, फिंगरप्रिंट्स चेक हो गए। कैन आई सेंड हिम? या, यू कैन गो। शंकर को छोड़ दो। तो इसलिए आया है ताकि तो डॉक्यूमेंट्स यहां ले आए, शंकर को ले जाने के लिए नहीं। शायद तुम नहीं जानते, मैं शंकर को ले जाने के लिए आया हूं, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए नहीं। जमीनें वापस मिलेंगी। सिर्फ एक नाम नहीं रहा, एक गांव है। तुम्हें वहां रहना है, कल फैसला होगा। तुम जाओ, जाओ शंकर, जाकर अपने गांव वालों से कह देना
कि गुरु ने अपना कहा हुआ वादा निभा दिया। जाओ प्लीज जाओ। मीडिया सपोर्ट से सारे गवाह देश वापस आ गए हैं। नीरू के किसानों के साथ साथ प्रदेश के किसानों ने भी मीडिया को बधाई दी है। हाई कोर्ट में गवाह पहुंच चुके हैं। इतने ढेर सारे लोग गुरु भाई का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो आ तो पाएगा ना? नहीं, वो तो कब का मर गया होगा। तुम्हें उफे इतनी नफरत क्यों है भाई? तुम भी करते अगर उसने तुम्हारी फिल्म बनाई। कैसी फिल्म? सारी महाभारत अभी सुनोगे, मुंह लटकाए रहो। भाई पीछे देखो। अब खुश होने की एक्टिंग करो। दांत फोड़ दूंगा तेरे। पाचड़ होने के बाद सब फोफड़ते ही हैं। ये ना, तुम सिक्के संभालो, मैं लाइट संभालता हूँ। अब आओ। गुरु। गुरु, वापस आ गए। बहुत खुश हूँ मैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। पाइप में कौन था? मैं था सर। पानी बंद हो जाने से मैं बहुत नाराज था, पर तुम्हारी स्पीच से कन्विंस हो गया। गुड, थैंक यू सर। अग्रवाल को किसने मारा? हमने सर। नहीं नहीं, मैंने सर। नहीं नहीं, ओके ओके, गुड गुड गुड। इंसान को मारना अपराध है, व्यवस्था को मारना रेवोल्यूशन। फैसला तुम्हारे हक में जाता है। बहुत खुश सर। गुरु, ये जीत तुम्हारी है। नहीं, किसानों की। वो क्या है कि कलकत्ता से मेरे मामू आए हुए हैं। फिर मिलता हूं। This movie is encoded by Dr. Star. आंधी की तरह गया और तूफान की तरह आया। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? 5 मिनट बस सबर कर, अपन दाढ़ी बना के आया। Yo guys, this is not a my song, this is the boss song. अरे ये शर्ट तेरे लिए बनी है, सर करके तेरे लिए आया हूँ। हर लुंगी तो स्टाइल से डाली है, स्वैग क्लास तेरे लिए ही बना है। स्वीट टू, लेट्स डू हुत तू। अरे ये सारी आज हिलाई हूँ, काला जैकेट नाइट भर सी हूँ, बाल के ऊपर लाल फूल डाली हूँ, गर्ल 16 की बन के आई हूँ। बेबी बू, लेट्स डू हुत तू। ये कैसी साड़ी है? ये नए जमाने की साड़ी है सर। क्या मतलब? इनके लिए मैंने पसंद की है, अभी बनारस होके आया ना। Let's do hut to.
लेट्स डू हुतडो। गुरु भाई बोल डाबर, मेरी पिक्चर तो मुझे दे दो। बेटा तू ये मेरा फोन रख और अपनी फोटो के मजे रोज लेना। थैंक यू सर। वापस दे मेरी पिक्चर, मुझे वापस मिल गई। चेक भी कर लो, उसमें तेरी फिल्म है भी कि नहीं। उसने तेरी फिल्म अपने पास रखी है। अरे गुरु भाई। Yo guys, this is not a blast song. This is the boss song. Sweet to let's do kumudu.